सतगुरु के प्यार विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे सत्कारयोग सतसंगी जनों, अज आपां सारे ही इत्थे गुरमत सैमीनार दे विच कुछ गुरबाणी सिख रहत मर्यादा दीआं विचारां सांझियां करन वास्ते एकत्र होए हाँ। मैं समझदा हाँ बड़ा ही शलाघायोग ये कदम है साडे वास्ते, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने जो विचारधारा सानू बख्शिश की है ये कोई शक नहीं कि गुरबाणी नू पढ़िया बहुत जा रहा है, गाया बहुत जा रहा है, पर जो गुरबाणी सानू जिंदगी जीण की प्रेरणा बख्शिश करती है वह साडे जीवन विचों हौली हौली अलोप हुंदी जा रही है। ये कोई शक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब नू नमस्कार भी असी करते हाँ, सिर भी झुकाउंदे हाँ, वधिया वधिया रुमाले भेटावां भी दिंदे हाँ। जदों गुरु साहब जी दे गल मनन की गल आउंदी है, विचारां नू जीवन च धारण करन की गल आउंदी है, उस तो असी अज बहुत दूर जा चुके हाँ। मैं समझदा इहदे विच कसूर संगत का नहीं है, कसूर साढ़े बहुगिणती प्रचारकों का है, बहुगिणती साढ़े धर्म की व्याख्या करने वाले का है, तो कुछ साडा भी नाल मिलवा कसूर यह है कि असी ठीक होना ही नहीं चाहते। जो कोई मनुख किसी वैद हकीम को डॉक्टर को जाता है तो जे तो वह ठीक होना चाहे तो डॉक्टर हकीम उसनों वधिया दवाई दिता है, तो जे कोई मनुख यह सोचे कि मैं ठीक ही नहीं होना तो फिर वह दवाई उसनों वो मुताबक नहीं देगा। तो अज असी ठीक भी नहीं होना चाहते, असी सोचते हैं भी शायद कोई गैबी शक्ति आएगी वो साढ़े आण के काम सवार जाएगी, इदा की शक्ति असी सारे उड़ीक रहे हाँ। तो इस ही कमजोरी ने इस भारत को लगातार बाहरों आए हमलावरों के गुलाम बना छड़िया। साढ़े सामने बाबर माणी इस गल की प्रतक मिसाल आ कि जो बाहरों हमलावर हमला करता है तो वह सोचते हैं भी शायद असी कोई गैबी शक्ति लिया के ही बाहरों आईया फौजा का मुकाबला कर लेना। गुरु साहब बथेरा समझाते नहीं भलिओ जो कोई बाहरों साढ़े घर से हमला कर रहा तो वह मुकाबला करने वास्ते सानू तैयारी करनी पवेगी। बिल्कुल इस तरह सानू अपने जीवन के गुरबाणी की विचार गुरबाणी का जो बेसिक सिद्धांत अपने जीवन में लागू करना पवेगा, वो वास्ते मैं समझदा ये नालों वड्डा कोई उपराला नहीं। इस तरह बैठ के भावें सानू गिणती की ज़्यादा लोड़ नहीं भी आप कही भी आप हज़ार पाँच हज़ार भी हज़ार कट्ठा जड़ा है वह पब्लिक कट्ठी करनी है। मैं समझदा जिद दस जने भी असी कट्ठे हो जाइए ना साढ़े वास्ते प्राप्ति प्राप्ति है। ये कभी भी क्योंकि जो असी भीड़ की गल करते हैं तुम कभी वेखना परिवार के भावें भी जी रेंदे होठे जो कोई विचार कर रहे हैं तो दो जने कमरे च बैठ के भी सलाह कर सकते हैं। तुम वेखो साड़ी जो असी सरबत गल सरबत खालसे की गल करते हैं सिख कौम तो बहुत वड्डी है, पर उन्होंने जो फैसला करना हों पांच जने उन्होंने चुने जाते अंदर बैठ के विचार कर लेंगे। तुसी सौ बंदे नूं कहो भी कोई फैसला कर लो, सौ बंदा रल के फैसला कर सकता है? सौ बंदे की मत अपनी अपनी होनी हाँ, पांच छे बंदे रल के फैसला करके सौ नूं सुना तो सकते हैं, पर जे सौ दो सौ बंदे नूं तुसी कहो भी कोई रल के फैसला कर लैण, भीड़ां कदी भी फैसला नहीं करदियां। विचारां करन वास्ते भावें थोड़े ही होण उहदे विचों सानू प्राप्ति हुंदी है। गुरु साहब ने भीड़ की गल नहीं की भी आपां भीड़ ज्यादा इकट्ठी करिए, इहदे विच कई वारी असीं निराश भी हो जाने भी इन्ना असीं प्रबंध करदे हां तो साढ़े कोल घट क्यों आती है संगत। बिल्कुल निराश होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि तत् गुरमत की गल जी हमेशा एक कुदरती गल है कि पखंड वाले बन्ने समाज ज़्यादा दौड़ता है, जो कमाउण की गल आती है सिद्धांत से तुरन की गल आती है वो वाले बन्ने थोड़ी जी सानू कठिनाई जी है महसूस होनी है। गुरु बख्शिश करे कि इन्हां वीरां ने यह समय समय से मैं समझदा उद्यम करते रहिंदे ने कि यह तां बैठ के आपां विचार चर्चा करिए, जरूरी नहीं कि जिहड़े इत्थे बुलारे आउणगे उन्होंने तुहानू कुछ सिखाउणा है। बहुत वारी बुलारे संगतां कोलों कुछ सीख लेंदे हन, क्योंकि तुहाडे विचों जो कोई सवाल किया जाएगा बहुत वारी संगतां दे विचों ही बुलारे बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आप रल मिल के होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा वछाए दे मां वाक अनुसार आप रल के कुछ विचारां दी सांझ करन दा यतन करना है। आओ गुरु बख्शिश करे कि अज दे सैमीनार की आरंभता आपां करन जा रहे हाँ। सारी संगत आप जी ने एकाग्रता बख्शिश करनी है, विचारां दी आरंभता करन तो पहला गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असी वेखते हाँ साढ़े विचों मेरे ख्याल च जिन्हां ने सिख रहत मर्यादा पढ़ी होएगी जो अकाल तख्त वालों पंथ प्रवानित है सिख रहत मर्यादा 1900
बत्ती दे विच लगभग इहदी तैयारी की गई तो 1945 तक इस ते विचार चलती रही लगातार 12-13 साल इस सिख रहत मर्यादा ते विचार चली, फिर जाके कौम की झोली च पाई, क्योंकि बिना मर्यादा तो कुछ भी नहीं चलता। कभी तुसी वेखना जे आपां मर्यादा की गल करिए, किसी किसान ने अपनी ट्यूबवैल तो 3 किले हटवा पानी खड़ना है तो मर्यादा च खड़ना पवेगा। वह मर्यादा की है, वह आड़ बनाएगा। जो कहे कि मैं अपने कई बार वेख्या भी ट्यूबवैल तो पैली 10 किले हटवी होंगी है, तो जे वह 10 किले हटवी जड़ा दूर खेत है वो तक पानी खड़ कहे भी मैं कोई मर्यादा नहीं बनानी, इदा पानी खुला छड़ देना है, तो फिर 1 किले 2 किलों में ही पानी पैदा रहेगा। दूर पानी खाने वास्ते उन्हें की करना पवेगा, एक मर्यादा बनानी पवेगी, एक डिसिप्लिन बनाना पवेगा, वो वास्ते आड़ बनाएगा जां पाइप खरीद के लियाएगा बाजारों। तुसीं वेखिया अजकल ट्यूबवैलों के अगे पाइप भी ला देंगे ने, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 किलों तक वह पाइप पानी लै जाता है। भाव बिना मर्यादा तो घर भी नहीं चलते, घर भी चलाना हो जे घर भी चलाना, आप दूर लैके जाना, इतफाक एकाग्रता रखनी है कि परिवार साडा एक इकट्ठा रहे, उहदे वास्ते सानू परिवारां दे विच वी एकता इस वास्ते लियाउणी पैंदी है कि एक दूजे प्रति हिसाब किताब ईमानदारी वरती जाए तां साडा घर वधिया चल सकदा। कौमां नूं वी इकट्ठियां रखण वास्ते कुछ नियम घड़ने पैंदे ने। इह सिख रहत मर्यादा दे बारे विचार करन तों पहलां थोड़ा जिहा आपां पिछोकड़ वाले बन्ने जावांगे वी इह बणाई क्यों, इहदी लोड़ क्यों पई। कई बार आम करके जिहड़े साडे संप्रदाय डेरेदार वीर ने जिन्हां साडे मनां च प्रचार करता जदों असीं सिख रहत मर्यादा की गल करदे आ, वह कहिंदे जी इन्हां ने बनाई आ, भी ये तो विके हुए बंदियां ने बनाई है। मैं तुहाडे सामने सिख रहत मर्यादा विचों उन्हां बंदियां दे नाम लवांगा जिन्हां ने सिख रहत मर्यादा बनाउण विच शमूलीयत की, हाजिर सन। तुसीं आप ही अंदाजा लगा लैण भी इहो जिहे बंदे जिन्हां दे एडे उच्चे सुचे जीवन सन, इन्नी उन्हां दी वधिया जीवन शैली सी, उन्होंने कितना वधिया सोच के जितों तक भी कौम नूं इकट्ठियां करन दी कोशिश की। थोड़ा जिहा आपां पिछे जाणा है सिख रहत मर्यादा दे विचार करन तों पहलां, जदों अंग्रेज़ आउंदे ने भारत अंदर, सब तो पहला उन्होंने बंगाल नूं अपने अधीन किया है, जिन्हों आपां तुसीं वेखो सब तो पहला जिहड़ा तक जिहड़ा कलकत्ता शहर तुहाडे जो जिहड़े वीर गए हुण, कलकत्ता सारा शहर ही अंग्रेज़ां दे हाथ दा बणिया होया, वड्डे वड्डे जिहड़े उत्थे पुल बने ने, हौली हौली कलकत्ते तों तुरदियां तुरदियां पटने वाला जिहड़ा तखत है सब तो पहला उन्होंने अपने अधीन किया है, फिर हजूर साहब वाला। तो तुहानूं पता होवे कि इन्हां दोवां तख्तां की मर्यादा अज तक पंजाब के तिना तख्तों के नाल मेल नहीं खाती, क्योंकि तुहानूं पता है आप जिहड़े तुहाडे जो गए ने अकाल तख्त की जिहड़ी मर्यादा है जां पंजाब के जिहड़े तिने तख्त ने इन्हां तख्तों नाल जिहड़े बाहर के तख्त ने उन्हां दी मर्यादा क्यों नहीं मेल खाती, क्योंकि अंग्रेज़ां ने उत्थे बहुत कुछ गल्लां उहदे विच चलातियां। हौली हौली जदों अंग्रेज़ां ने इन्हां दोवां तख्तों नूं अपने अधीन किया फिर वह पंजाब वल नूं वधण लगे, हौली हौली पंजाब वल नूं वधे ने, वाधियां वाधियां उन्होंने पहलां अपने सरबराह राए, सरबराह मीनिंग भी जिहड़े इत्थों दे प्रबंधकी ढांचा सामने वाले सन, जिन्हां विच महंत जिन्हों आपां महंत कह सकते हैं, जिवें महंत नारायण दास वर्गे, तरन तारण दे विच वी उन्होंने अपने महंत स्थापित कर दिते, दरबार साहब की सेवा संभाल ली भी महंत ला दिते, वो इस करके महंत लाते भी नाले तुसी खाओ तो नाले सानू खवाओ, तो तुसी वो कर्म कोई नहीं करना जिहदे नाल ये सियाने हो जाण सिख, भी तुसी वो कर्म नहीं करना कोई भी जिहदे नाल इन्हां नूं मत आवे, भी जे सियाने हो गए तो फिर तो साडे ते राज करनगे, इन्हां नूं तुसी सियाने नहीं बन देना, उहदे वास्ते तुसी जो कुछ करो वो तुहानूं खुल्ला, तुहाडे ते कोई पाबंदी नहीं। तो महंत नारायण दास वर्गे जिहड़ा साका नलकाणा वापरिया, साका नलकाणा वापरन पिछे बहुत वड्डी जिहड़ी घटना, बड़ी लंबेरी घटना है, मैं संखेप च विचारूंगा। सिंधी जज जिहदी इकलौती धी दे नाल मूँह काला किया उत्थों दे महंत दे गुंडिया ने, ते जिस घटना तो बाद साका नलकाणा जिहड़ा सी वापरिया, साका नलकाणा वापरिया, सिखां ने अपने आप नूं कुरबान किया, चाबियां दे मोर्चे लगे, जैतों दे मोर्चे लगे, किन्ना कुछ संघर्ष करना पिया, गुरद्वारा सुधार लहर चली, किनिया सिंह सभा लहर होंद विच आई, किनिया किनिया कुरबानियां करन तो बाद साढ़े सिखां नूं फिर एक विचार की गई भी जे आपां अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, फिर अकाली दल बनिया, ये सारिया संस्थावां जिहड़ियां इस वास्ते होंद विच आईयां सन कि सिखी दी विचार नूं अगे तोरिया जा सके। कदी सोच के वेखो 1873 विच 4 सिखां दे बच्चे ईसाई बन चले सी, बने नहीं बन चले सी,
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਵੰਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2-4 ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ MA, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਟਾ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਡਾਇਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੂਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਸੂਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਧਾਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨੇ ਤਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ 2 ਕੇਵਲ 2 ਧਾਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਧਾਗੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਇਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਵਾਲਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਗੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਹੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ? ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਭਲਾ
गावां नूं उन्हां थावां ते खड़ के उन्हें गावां दा भला किया। नाले गावां नूं कवे खा लो, हुण गावां मिट्टी थोड़ा खानी है, गावां ने रेत थोड़ा खानी, गावां की खुराक ते हरे पट्ठे ने। गावां कौन असीं, साडी खुराक की सी ज्ञान। कहिंदे सानूं ज्ञान खुराक ना दे के होर ही होर कम्मां च उलझा छड़े। हम गुरु तुम ग्वार गुसाई, तू साडा ग्वाला सी चारण वाला। हम गोरू तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबू ना पार उतार चढ़ायो कैसे खसम मारे। तू किहो जिहा साडा खसम है, किहो जिहा साडा मालक है, कदी सानू मत ही नहीं दिती जिहदे नाल असी चंगे ते माड़े की परख कर सकीए। गुरु साहब जी ने लोगों नू समाज नू अपने सिख नहीं बनाया, गुरु साहब ने रब नाल जोड़िया। भागां वाले तुहाडे चों कई गुरु प्यारे बैठे होणगे जिन्हां ने गुरबाणी पढ़ी होएगी। सारी गुरबाणी च गुरु साहब ने अपनी कलम तो अपनी वडियाई नहीं कराई, कितने अपने आप नू परमेशर कहा होवे, अपने आप नू रब कहा होवे। सारी गुरबाणी रचन वक्त, सारा गुरु ग्रंथ साहब लिखण तो बाद गुरु अर्जन साहब की लिखते हैं, तेरा कीता जातो नाही। भट्ट कहिंदे ने गुरु अर्जन साहब नू कि तुहाडे विच ते रब विच फर्क कोई नहीं, भन मथुरा कच्छ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रताखा। तो गुरु अर्जन साहब अपनी रचना तो कहिंदे ने, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही। भट्ट कहिंदे ने तुसी रब दा रूप हो, तो गुरु अर्जन साहब कहिंदे मेरे च गुण ही कोई नहीं। किड्डी कमाल की गल है, जिहड़े तत्ती तवी ते बैठ गए, देग च उबाला खा गए, जिन्होंने सीस ते अपने रेता पवा लिया, तत्ता देग च उबाला खा लिया, वह गुरु साहब कहिंदे मेरे च गुण कोई नहीं। असी पैर पैर ते झूठ बोलते हाँ, पैर पैर ते बेईमानी करते हाँ, दूजे का हक खाण की कोशिश करते हाँ, दूजे के बच्चों के मूँह चो खो के अपने बच्चे पालन की कोशिश करते हाँ, असी फिर भी कह जाने मेरे च ये गुण हैगा। वह गुणा दे मालक आ, तो गुरु साहब कहिंदे मेरे च गुण ही कोई नहीं। किड्डी कोई निम्रता की कोई हद है, एडी प्यारी विचार सानू गुरु साहब दे के गए हो, मालक जी मेरे च कोई गुण नहीं, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पे हुई, तरस पया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिलया नानक, ना मिले तो जीवा तन मन थीवै हरिया। ये विचार दिती सानू इस सिद्धांत नू प्रचारन वास्ते कि घर घर दे विच ये विचार लागू हो सके, कि असी दूजियां रीतां अपने घर विच लागू ना कर सकीए। फिर इस तो बाद वक् वक् विद्वाना दियां रैया लिया गईयां। भाई कान सिंह नाभा जी, तुहाडे विच्चों जिन्हां वीरां ने पुस्तक पढ़ी होवे हम हिंदू नहीं, जां एडियां एडियां प्यारियां विचारां दित्तियां भाई कान सिंह नाभा जी वर्गे मनुखां ने, फिर दस्से भी साडे च की फर्क आ, ते उहनां च भी असी किहड़े किहड़े कर्म नहीं करदे। पर अज ते कोई कर्म रह ही नहीं गया जिहड़ा असी ना करदे होईए, सारे कर्म कांड साडे घरां च हौली हौली आउणे शुरू हो गए। मेन आपां सिख रहत मर्यादा विच्चों संस्कारां दी विचार करांगे, भी संस्कार सानूं दित्ते सिख रहत मर्यादा। इहदे विच जिहड़ी एक गल मेन की गई कि सिख की तारीफ, सिख कौन है, सिख किहनूं कहिंदे ने। वैसे तो गुरबाणी विच भी सिख की परिभाषा उही है कि जिहड़ा एक अकाल पुरख नूं मंनदा होवे। आपां जे सिख रहत मर्यादा के मुताबिक गुरु अमरदास नूं पुछ लईए, तो गुरु अमरदास जी तो बड़ी प्यारी बात कहिंदे ने, जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे। अच्छा, कई बार असीं कह दिंदे आ भी सिख कबरां ते जांदे आ, सिख मड़ियां ते जांदे आ, सिख फलाने अगे मत्था टेक, सिख नहीं टेकदे, ये लफ्ज़ असीं गलत वरतदे आ। ना 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 ना, जिहड़ा टेकदा उह सिख नहीं है। बाणी ते मैं बाणी मुताबक कह रहा, मैनू कोई हक नहीं आ भी मैं किसी नूं कह दवां भी तूं सिख नहीं आ। साढ़े तो इदा ही है ना, असीं कहिंदे असीं किसी कोलों सिखी खोहण की कोशिश करदे आ। सिखी जिहड़ी इक इहो जिही दात है जिहड़ी किसी मनुख दे कोलों नहीं मिलनी, गुरु ने देनी है, गुरु ने सिखी देनी है। गुरु फैसला देवेगा भी सिखी, जिवें मैं उदाहरण दिंदा भी कई बार असीं पारखू नहीं ना है, हुण जिवें अजकल सोना पाउण दा बड़ा रवाज है। वैसे सोना जिन्हां को असली होया उह ते पाउंदे पाउंदे, कई बार नकली पाउण दा किन्ना रवाज आ विआहां शादियां ते, वो जिहड़ा सानूं आम करके मिल जाता 50-60-100-200 दे नाल, मनुख मुंदरी भी पा लैंदा, कड़ा भी पा लैंदा, हैं वो वालियां जां चूड़ियां, एक 250-300-500 दा समान है। हुण वेखो जदों पाया असीं पारखू नहीं, असीं ते कई बार कह जाणा वी किन्ना सोना पाया इहने, असीं पारखू नहीं ना है। पर जे उस विआह विच पैलेस विच कोई सुनियारा चला गया, वह तो पारखू उहनूं पता भी जिहदी ज्यादा चमक होवे कदी सोना नहीं हुंदा, सोना इन्नी ज्यादा चमक नहीं मारदा जिन्नी उहदी मलम्मे की झाड़ वाला ज्यादा चमक मारदा। सुन सुनियारे नूं परखा, सानूं परख कोई नहीं, असीं एवें कई जणा लै उदां कहिंदा मेरे कोल पैसे नहीं, मेरे ने पैसे देने आ,
तो वेख कि सोना पाई फिर हूँ सुनियरे वीर पता भी एवं ना घबरा भरिया ये सारा 250-300 का माल है भी तेरे तो कड़े का मुकाबला नहीं जिन्ना ने सारा समान पाया ना एक तेरे कड़े की कीमत भी नहीं जिन्ना तू एक कड़ा पाया क्योंकि तेरे को असली है इन्हें सारा ही नकली माल पाया। कई बार असी भी नकली माल पा लें भी गातरा पा लिया केसा च भुंगा डा लिया उत्तों की माड़ा भी हाथ में पा ली वेखना क्या बात है भी बड़ा भगत बड़ा भगत है वेखने वाले तो प्रभावित हो जाते हैं पर गुरु जौहरी आ गुरु कहता एवं ना घबरा तू इनू हमने वेख ली भौरे ते भूंड की इको जिही गूंज कमी पिया पछाणीए वह भौरा वह भूंड भूंड तो भौरे की गूंज इको जी दोवें गूं करते पर जो फुल ते बहिंदा तो भौरा ही बहिंदा भूंड ते जाके गंदगी दे ढेर ते बहिंदा तो भौरा नहीं बहिंदा गंदगी दे ढेर ते उन्हूं भावें अपने तो 2 किलोमीटर का भी सफर क्यों ना तय करना पवे भौरा हमेशा सुगंधी ते बहिंदा ते भूंड कई बार गंदगी ते भी बह जाता गंदगी दे ढेर ते भी जाके वह गूंजा पा आउंदा कहिंदे इहदे सरूप वल ना वेख इहदियां कम्मां वल वेखी जो ये कम करूँ तो वेखी अपने आप इहदा पाज उगड़ जाना। आपां गल कर रहे सी सिख दी तरीफ गुरु अमरदास जी कहिंदे वेखो लफ्ज़ किड्डा प्यारा वरत्या आनंद साहिब दी बाणी च जिहड़ा सनमुख है उत्थे लफ्ज़ वरत्या सिख जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै तां सनमुख सिख कोई ज्यो रहे गुरु नाले वेखो ज्यो रहे उपरों नहीं ज्यो रहे किड्डी प्यारी गुरबाणी है। ब्राह्मण नूं इहो कहिंदे ने हाड़ा कपाह दा जनेऊ पाया है नहीं दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का है ही ता पांडे कत ना ये टुटे ना मन लगे ना ये जले ना जाए मैनू 10-12 धागे पाउण नाल कोई मनुख चोरी छड़ जू हुण मान लो मैं केसां च कंघा रखे हाथ में कड़ा पाया तो बाहरों सरूप वेख के कोई कवे भी क्या बात है अमृतधारी हो गया बंदा इन्हें अमृत छक लिया बड़ा सौखा शरीर में अमृतधारी बनाना बड़ा सौखा रात बंदा सौवें सवेरे खंडे की पौल तैयार हो बंदा अमृतधारी सुरत नहीं ना बनी अमृतधारी सुरत तो उस तरह डिगी हुई है। ये गुरु साहब जे जनेऊ धारी पंडित नूं कह रहे तो मैनू भी कह रहे ने उन्ना ही ये शब्द मेरे वास्ते भी है लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजी नाल जनेऊ पाया शरीर ने मैं नाल कर रहा गातरा पाया मेरे शरीर ने कंघा मेरे केसां च आ कड़ा मेरे हाथ में है चोरियां भी हो रही ने यारियां भी पालिया जा रही ने ठगियां भी बेईमानियां भी क्योंकि वह जी कर रहा वो मेरा मन कर रहा वो मेरा मन कर रहा ना शरीर ने शरीर का अमृतधारी इनू कहिंदे बाहर की देख वेख ली लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजी नाल तग तगा कपाहू कपाह का बनिया तग कपाहू कत्ती है बामण वटे आए बामणे वट के पाता को बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराणा सुटी है पुराणा हो गया सुटता भी फिर पाई है होर साडा गातरा पुराणा हो गया सी नवा लै लिया कंघा पुराणा हो गया सी नवा लै लिया कशहरे असी नवे संभाले समय नाल इह वी चीज़ां पुराणियां हुंदियां पागां वाले ओ जे मैं भी चोरियां मुकदी गल ककार पाउण वाला भी चोरियां यारियां ठगियां बेईमानियां करदा है ते ए श्लोक मेरे वास्ते भी ओना है जिन्ना एक जनेऊ धारण वाले वास्ते है। पर नहीं आसा की वार दा कीर्तन हुंदा कदों है भला सवेरे सवेर आसा की वार दा कीर्तन गुरुद्वारियां च उदों हुंदा है जदों अद्धे आजादी पवलक सुती हुंदी है। आसा की वार दा कीर्तन इन्नी वार गुरुद्वारियां च कीता गया ते आसा की वार दे विच जिहड़े अर्थ कीते ने जो गुरु साहिब ने सिधांत दिता है उस तों उल्ट असी कर्म कीते आसा की वार दे विच जो सिधांत दिता गुरु साहब ने उस तों उल्ट असी अपने परिवारों में कर्म किए उस तों उल्ट असी अपने परिवारों में विचार लैन दियाँ सच का सिधांत ना कमा सके। हुण जिहड़ी गल गुरु साहब बाणी विच दस रहे ने सानू हुण जिथे सनमुख की गल आई गुरु साहब ने लफ्ज़ वरत्या सिख हुण अगली पौड़ी है मनमुख की जे को गुरतै बेमुख होवै हुण गुरु साहब इत्थे सिख लफ्ज़ क्यों नहीं वरत्या जे को गुरतै सिख बेमुख होवै कह सकते सी ना जे को गुरत है सिख बेमुख होवे कह सकते सी पर नहीं महाराज कहते कहण दी क्यों लोड़ है जिहड़ा बेमुख है वो सिख नहीं हुंदा जिहड़ा सिख हुंदा है वो बेमुख नहीं हुंदा। गल क्लीयर होगी गुरु साहब ने बेमुख जिथे लफ्ज़ वरत्या उत्थे सिख लफ्ज़ ही नहीं वरत्या गल क्लीयर होगी अपने आप ही तो फिर यदा अर्थ तुहानू अपने आप पता लग जाएगा असी कहने सिख मड़ियां ते जांदा है
सिख कबरां ते सिख बाबियां अगे मत्थे टेकदा है? नहीं नहीं नहीं, सिख मत्थे टेकदा ही नहीं बाबियां अगे, वह भावें पूरी दुनिया च एक ही क्यों ना हो, नहीं मत्थे टेकदा सिख। जिहड़ा टेकदा है वह तुहाडे जां मेरे कहण दी गल नहीं, गुरु साहिब कह रहे हैं उहदे बारे सिख दी तारीफ। जो इस्त्री जां पुरश एक अकाल पुरख दस गुरु साहिबान श्री गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक इन्हां दे उपर निश्चा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी उपर निश्चा रखता होवे, विश्वास भरोसा रखता होवे, सिख की प्रभाषा ते होर किसे धर्म ना मनदा होवे, साडे ते धागे भी पाउण लग पए उह वी सिख। जिहड़ा ये कुछ समय वास्ते मोबाइल आपां बंद ही कर दिए, मेरी बेनती होएगी जिन्ना चिर आपां इत्थे बैठे हाँ तो बड़ा वधिया होएगा साडे वास्ते, क्योंकि एकाग्रता भंग हुंदी जिहड़ी लड़ी है वह टुट जाती है, आपां इहनूं बंद ही कर दिए, लड़ी फिर वह जिहड़ी हुंदी है वह विचार खिंड जाती है। वाहिगुरू। वैसे तो गुरबाणी भी बार बार ये प्रोड़ता की गई इस गल की, सिख की परिभाषा दसी भी सिख हुंदा कौन है, सिख किहनूं कहिंदे हन, ते बाणी पढ़िया बाणी गाई बाणी सुनी गुरबाणी चों ही आपां नाल नाल सिख की परिभाषा पढ़ सकते हैं भी सिख किहनूं कहा महाराज ने। हुण जदों असीं पढ़दे हाँ गुरु साहिब दे बचन सेवक सिख पूजन सब आम है, सारे पूजा करन आउंदे ने, सेवक सिख पूजन सब आम है, सब गावें हर हर ऊतम बाणी गाउंदे सारे ने, पर थाएं किहदी पैंदी है ये भी गुरु ने निर्णा था, थाएं किहदी पैंदी है भागां वाले, गाव्या सुनिया तिनका हर थाएं पा, जिन सतगुर की आ गया। चलो हुण आपां निर्णा कर लईए, किसी ने अपने पुत्र का किया आनंद कारज, उन्हें सहज पाठ रखवाया अखंड पाठ रखवाया जा सुखमनी साहब का पाठ कराया, अरदास करवाई तो ग्रंथी से ने अरदास करती कीता लोड़ीए काम सुहार पै आखिए कारज दे सवार सतगुर सच साखिए, बाणी पढ़ी गई, रागी संघ ने कीर्तन भी कर दिता, प्रचारक ने कथा भी कर दी, सब कुछ हो गया, पर उस परिवार का गाना सुनना, जे उन्होंने परिवार वाले शराब भी पी ली तो दाज भी मूँह मंग के लै लिया कि वह गाना सुनना थाएं पवेगा, क्यों जी गाना सुनना थाएं पवेगा गुरबाणी मुताबक, बाणी कहती गाव्या सुनिया तिनका हर थाएं पावे जिन सतगुर की आ गया सत सतकर्मा ने। हुण गल ये होगी भी असी समाज नूं खुश करन लई पाठ रखते हैं, दुनिया नूं भी दुनियादारी की कहेगी जिन्होंने महाराज का स्वरूप ही घर लैके नहीं आता, तो हौली हौली वैसे इन्हां गल्लां का असर भी होना हो गया, पहला अखंड पाठ करवा हुण सुखमनी साहब ही करवाउंदे भी कित्थे तीन दिन बैठांगे असीं, कित्थे तीन दिन गुरु साहिब नूं घर रखांगे, लागे सेवा करनी पैणी आ, ते मतलब गलत चीज़ां साडे परिवारां च आउणियां शुरू हो गईआं सी। बाणी पढ़नी किड्डा चंगा होवे जिस बच्चे बच्ची का आनंद कारज होवे, आप सहज पाठ करन घर विच दस पंद्रह दिन पहला दवान सज्जन पहला पिंडां विच गाउण बहिंदे सन, गाउण बहुंदे सी पिंडां विच बीबियां ने इकट्ठियां हो के गीत गाउणे, ते जे इहनूं आपां गुरमत दा रूप दे दईए भी घर दे विच समागम होवे रोज़ पंद्रह भी मिनट अद्धा घंटा विचारां कीतियां जाण, सहज पाठ कीता जावे, उस तों बाद विचारां होण, भूमिका बचेगी ना सारी, वधिया माहौल बनेगा तो अपने आप गुरु की विचार होनी शुरू होगी। हुण सिख की परिभाषा वो है जिहड़ा किसी होर धर्म के उत्ते विश्वास नहीं रखता, उहदा विश्वास केवल एक अकाल पुरख के उपर, एक अकाल पुरख तो बिना वह किसी होर ते विश्वास नहीं रखता। फिर जिहड़ी गल इहदे विच आपां मेन विषय दे विचों लैणा है जिहड़े साडे संस्कार दसे गए ने, हुण जे आपां संस्कारां की गल करिए ते पहला संस्कार है जन्म। हुण जन्म संस्कार वेले जिहड़ियां साडे परिवारां च मनमतां कीतियां जांदियां ओह मनमतां मैं कहना भी सब तो पहली मनमत है सूतक, वैसे पढ़िया लिखिया वर्ग इहनूं हुण मनदा नहीं, इह तां प्रचार नालों अपने आप ही साडी पीढ़ी एडवांस हो गई, नहीं तो जदों बच्चे ने जन्म लैना तो घर दे विच किसे नूं आउण ना देना, उहदियां बाहवां चैक करनियां भी ने, कोई तवीत नहीं लिआंदा किसे दा संस्कार करके आउणा, तो उहनूं डरदे ने घर ही ना जाणा जिन्हां घर बच्चे ने जन्म लिया, भी जे मैं गया कल नूं बच्चा ना चुप कीता ना लाभ बच्चा बीमार हो गया इहने कहना वेख्या फलाणे दे संस्कार तो सीधा ही साडे घर आ गया, इदां दे वहिम ये तो संस्कार करके आया। हॉस्पिटलों में पाँच मिनट पहला उत्थे ही डैथ होती है, कई बार चादर भी बदलने का मौका नहीं मिलता, उस बैड उत्ते बच्चे का जन्म ही हुंदा है, सिर्फ सानू पता नहीं हुंदा, सिर्फ सानू पता नहीं हुंदा, मान लो चादर भी बदल जाए बैड तो उही है उही डॉक्टर है उही समा है, पर असी इन्हां गल्लां नूं कदी हुण सूतक की गल कर लो, साडे परिवारां विच सूतक मन्निया जांदा वी बच्चा जन्म लवे सूतक, तो घर च कोई पुराणी चढ़ाई कर जाए तो पातक आंदे ने, कहते पातक आ गया, फिर तुसी थोड़ा जिहा पिछे जाओ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੇ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਹਾ ਪਥਿਆ, ਗੋਹਾ ਪਥਿਆ ਉਹ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਹੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਹਾ ਪੱਥਿਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਤਾ ਅੱਗ ਸੁੱਟਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ। ਕਦੋਂ ਸੂਤਕ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪੋਤਰਾ, ਅਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ ਪੋਤਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚੂੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਚੂੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੂਤਕ ਬੇਬੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਤਕ 'ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਫੋਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਐਰਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਉਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦਾ, ਪਤੀ ਪਾਠ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ, ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਬੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਆਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਸੱਚ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਫੋਨ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੀ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ, ਸੀਸਾ ਬਣ ਜੂ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਗਣ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਲਾਇਓ, ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਲਾਇਓ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਮਰਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ
वेखना अखां नाल पराया रूप वेखना बुरी निगाह रखनी ये सूतक है। अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सूतक कन पै की है चुगली। चुगली बंदा किन्नी करदा किन्नी सुनदा चुगली। चुगली की हुंदी है जिहड़ी किसे दे मूँह ते ना कहना ते पिट पिछे कहना परां जाके भी सस मूँह ते नूँह दे कहे भी तू बड़ी मेरी लायक बची है। गवांढियों नूं कहे बहुत है ते रोटी नहीं दिंदी मैनूं ते नूँह सस दे मूँह ते कहे तू ते मेरी बेबे है तू ते मेरी मम्मी भुला दित्ती पास जा कहे मेरी सस चंदरी बड़ी है। चुगली है मूँह ते कई बार बंदे होंदे ना मूँह ते खुशामद करनगे परां जाके तुहाड़ियां पिड़ियां वड्डणगे। ये चुगली करदिआं मनुख दी जुबान थकदी कोई नहीं कन्न थकते कोई नहीं निंदिया चुगली सुन लगे हैं कहते लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जम फर जाहे। सूतगी जी परिभाषा महाराज ने दस दी कहते इस करके हुण जिहड़ी मर्यादा सानू इह च बच्चे दे जन्म वेले जिहड़ी सानू मर्यादा दसी बड़ी प्यारी बच्चा जन्म लवे ते माँ जो तुरन फिरन जोगी हो जाए तुरन फिरन जोगी कड़ा प्रसादी देग बनाओ जे ते घरे महाराज दा सरूप है बड़ी वधिया गल अरदास करो आप परिवार रल के महाराज जी औलाद बख्शी पुत्र आ जाती ठीक पुत्र आ जाती कोई वाधू रस्म करन दी लोड़ नहीं। साढ़े हुण जड़ा हुण तो देखो तुसीं बच्चों की जड़ावां घट हुंदियां पुराने समय जड़ावां बच्चों की ज़्यादा हुंदियां सी उहदे पिछे कारण सी बहुत वड्डा की भला कि उदों ब्रश वगैरह नहीं सी हैगे बच्चों की मैल जमदी जानी हौली हौली जमदी जानी वो जड़ावां बन जाणियां असीं लालां वाले किसी ने लालां वाले सुक देनी किसी ने फलाने डेरे सुक देनी वो जड़ावां लवाउण तुर जाणे उत्थे रोजी चल पैणी रोटी का मतला सी ना सारा वो जड़ावां लवाउंदे लवाउंदे डेरा चल पैंदा सी। अज तुसीं वेखो अज तुहानूं बच्चों के सिर ते जड़ावां क्यों देदियां क्योंकि अज ब्रश चल पे बड़े वधिया वधिया सॉफ्ट सॉफ्ट वो फिर हौली हौली के सीधे होने शुरू हो गए जड़ां बनदी कोई नहीं। मतलब साढ़े नौजवान पढ़े लिखे वर्ग ने बहुत वहम भरमां का त्याग कर दिता पर बहुत वरम वहम भरम साढ़े मन अजे भी बैठे ने अजे भी असं अपने मन च घर करके बैठे हैं साढ़े मन के गल बैठी है। मैं कल ही पी टी सी वेख रहा सी भी हुण पंडितां बिठाउण लग पे वो मीडिया वाले लागे जिहदा पंडित बैठा है तो वो लड़की उहदी इंटरव्यू लै रही है नाल लाइव लाइव लाइन पर हाजिर कर रही है वो तो कपूरथले एक लड़की का फोन गया लाइव सी ना वो लड़की पुछदी उसनू तुसीं कित्थों बोलते जी कहिंदी मैं कपूरथले तो बोलती हाँ वो पंडित दे नाल समस्यावां दा हल करदे आ वो पंडित पंडित नूं समस्या फोन ते दसणी उन्होंने तो वह फोन पर उन्हें हल कर देना वह कहें जी दसो की समस्या कहें मैं कुछ अपनी भरा बारे पुछना तो कुछ मैं अपने बारे पुछना। पंडित जी पुछते पहला कि बारे पुछना वो पहला कहते मैं अपने भरा बारे पुछना की पुछना मेरे भरा का बाहर का काम बनेगा ज्यादा प्रॉब्लम तो यह है ज्यादा प्रॉब्लम साड़ी कौम च यही है ज्यादा यो पुछते बाहर का काम बन जू वो पूछे उन्हें भी बाहर का काम बन जू मेरा मेरे भरा का। हुण पंडित ने दो मिनट हुण पुराने समय पत्रियां होंदी सन उहदे सामने लैपटॉप सी इदां उहने दो मिनट उहने कुछ वेख्या पता तो उहनूं सारा हुंदा की है सतगुर ने बाणी च लिखिया साहा गणे ना करें विचार। पंडित नूं क्यों पुछण जाइए साडे गुरु नानक साहिब ने पंडित नूं अगे अगे भजाया जिवें रोशनी दे सामने हनेरा अपने आप भजदा पर साडे सिख वी जांदे उत्थे जोशियां पत्रियां हलाउण जांदे आ साहा गणे ना करें विचार साहे उपर एक अंकार गण गण जोत कांडी कीनी पढ़ै सुणावै तत् न चीनी। वो भलिया पत्रियां वाज के लोगों को लुटदा तू तत् की गल तो करदा ही नहीं सच की विचार तो करदा ही नहीं। उन्हें की आख्या कहिंदा जी एक स्टील का बर्तन लैके उहदे च नारियल पा के चलते पानी च सुटना स्टील का बर्तन वेग गया नारियल विकणगे बिजनेस चल पिया ना बिजनेस चलूगा बड़ा प्यारा बिजनेस चल पिया। फिर उन्हें कहा भी भरा तेरा विदेश बहुत वरी जाऊगा पर उन्हें सैटल होने लग्या थोड़ी जी दिक्कत आनी आ पर आ नारियल पाने वाला काम तुहानू दो साल लगातार करने पैणगे ठीक। हुण उन्हें कहा जी मेरे बारे दसो कुछ तुसीं की पुछना चाहते हो मैं पुछना चाहनी हाँ भी मैं भी विदेश यात्रा करूँगी। हुण सुनो पंडित की कहिंदा उन्हें कहिंदा हाँ विदेश यात्रा तुसीं बहुत करोगे भारत तुसीं किसी कंट्री विच सिटीजनशिप नहीं लै सकते। उन्हें कहा क्यों उन्हें कहा लै सकते हो पर एक प्रॉब्लम आ उन्हें कि उन्हें कहा भी गऊ नू मंगलवार चारा पाया करना जिहड़ी जिहड़ी साडी समाज की दिक्कत वेख लो जिहड़ी माँ ने जन्म दिता उन्हूं तो गर्म फुलका ला के नहीं देना कई पीड़ा देंगे गऊ नू कहणगे भी सा गऊ माँ वा इहनू पीड़ा खवाउणा असी जिहड़ी माँ ने जन्म दिता उन्हूं भावें दो फुलके गर्म ला के कदी ना खवाए होण उहदी सेवा नहीं करनी असी।
हनुमान की सेवा करनी असी होर कर्मकांडा असी पै गए साजरी विचार सानू भुल गई वहमा भरमा असी पै गए हर दिन हर थित हर वार की गल सानू गुरबाणी चो अगवाई मिलती है पर साडे समाज में जो सानू चाहिए सी ना सानू मीडिया राही उपरोस के दिता जा रहा तुसी आ नगां वालियां मुंदरियां वेख लो तुहानू अपने सिख लड़के लड़कियां दे उंगलां ते आम पाइयां मिलणगियां क्योंकि उन्होंने प्रचार ही इस तरीके नाल कीता भी तुसी नग वाली मुंदरी अपनी राशि के मुताबिक पाओ तो कई तो डेढ़ दो साल बाद पा के ला देंदे कहिंदे वी गल बनी कोई नहीं हैगी नगां वालियां मुंदरियां ना नौकरी मिलती आ ना घर वसदे आ कमाई आनी ईमानदारी काम करी जाओ अपने आप ही गल बन जानी आ पर बड़े तरीके वैसे मीडिया का बड़ा वधिया रोल हुंदा भी जे समाज में चंगा ज्ञान देवे पर मीडिया ये रोल गलत अदा कर रहा भी वो आ नज़र कवच की गल आ नज़र ला गई तुहाड़े बच्चे हुण बच्चा हो सकता रोंदा होवे पेट च दर्द होवे साडे समाज चुना वेख्या फलानी आई सी अखां घूर घूर के साडे पुत वल वेंदी सी ते नज़र लगती नहीं पुत्तां नूं ज़्यादा धीआं नूं नज़र नहीं लगती तुसीं कदी नोट कीता पुत्तां नूं फलाना आया साढ़े घर साढ़े पुत वल वेख गया जां मझ चौंदियां कोई आ जाए साढ़े घर मझ मिले ना कहना वेख्या साढ़े घर आया फलाना दुध वाल अखा पाड़ पाड़ वेंदा सी उस तो बाद साढ़े घर मझ ही नहीं मिली हुण मझ वेचनी पैगी सानू किदां किदां दे साढ़े मनां विच वहम बह गए सतगुरु की बाणी पढ़ो महाराज की कहिंदे ने कहिंदे ने राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै तंत मंत न जोहई तित चाख न लागै जागण दा अर्थ पता की है जागण दा अर्थ दो चार बजे उठना ही नहीं हुंदा मन दा जागना भी मैं सुचेत रहां मेरे ते वकार हमले ना करन मैं एक ते ना शरीर दा जागना ये कोई चार बजे जागदा कोई पांच बजे जागदा अपनी अपनी किरिया ना बंदे दी वखरी वखरी आ कोई बंदा दो बजे दुकान बंद करके डेढ़ बजे दुकान बंद करके आउंदा हुण कोई बंदा दस बजे सौंजदा उह चार बजे मंजा त्याग दिंदा यह शरीर की नींद गुरु साहिब कहिंदे मन दा भी सौना वा मन भी जागदा वा इहनू जगा कादे नाल ज्ञान नाल जगा विचारां नाल जगा इस करके उत्थे बड़ी सिंपल जी गल दसी आ साडे समाज विच कई कई प्रकार के वहम भरम पखंड तुसीं वेख्या बच्चों के जन्म वेले कई काले लाल धागे बन्नणगे बड़े प्रकार के कर्मकांड करेंगे बिल्कुल इहो जे सानू कर्मकांड करन तो मना किया गया तो फिर दसिया कि जदों भैन तुरन फिरन जोगी हो गए गुरुद्वारे कड़ाह प्रसादी देख बनाओ अरदास करो तो गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप के उत्तों जे मुख वाक लैके अखर तो तुसी पहले तो बच्चे का नामकरण कर दिओ किसी प्रकार का वहम भरम पखंड कर्मकांड अपने जीवन के नहीं लैके आना पर सिख रहत मर्यादा का प्रचार ही नहीं किया गया सिख रहत मर्यादा साढ़े घर कभी लागू करने की कोशिश नहीं की गई भी कोई पखंड जिहड़ा असी अपने परिवारों में करने की कोशिश नहीं करनी हुण यह सी जन्म संस्कार इस तो बाद किहड़ा संस्कार है जी पता है जी किसी नूं इस तो बाद किहड़ा संस्कार है जन्म तो बाद लड़ीवार नहीं पता चलो इस तो दूसरा संस्कार है इस तो जो दूसरा संस्कार है वह है आनंद संस्कार आनंद संस्कार तो पहला एक संस्कार हो रहा है वह कि मैं आनंद संस्कार का ना तो लिया कि एक संस्कार विचों आप छड़ दिता है किहड़ा भला किहड़ा है जी अमृत संस्कार क्योंकि असं करते नहीं ना मैं तो गायब करता विचों जन्म संस्कार तो बाद असं सीधा किहड़ा करते हैं आनंद संस्कार वैसे आनंद कार्य असं करते कोई नहीं आनंद कार्य नहीं असं करते असं की करते हैं मैरिज करते हैं विआह करते हैं शादी करते हैं आनंद कार्य हुंदा है जिथे गुरु की मर्यादा की विचार की जाए जिथे तीन चार पाँच घंटे दवान सजे लावां की व्याख्या की जाए हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जी की गल की जाए जिथे बराती होन ऐन सोफी ते अग्यों बरात वाले लड़की वाले शब्द गुण आओ सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम ते साढ़े ते पैलसां दे विच असी सीधे जाने आनंद कार्यां दे विच असी उत्थे बैठन की कदी कोशिश ही नहीं की नाले आनंद कार्य तो पहला जिहड़ियां साढ़े घरां च होर रस्मां आ गईयां रिंग सरामणी चुन्नी चढ़ाउणा साडा नहीं हैगा रिंग सरामणी ईसाई वीरां दे घरों साढ़े घर आ गई तो जिहड़ी पारसियां दे घरों आ गया चुन्नी चढ़ाउणा ये पारसियां दा वा चुन्नी चढ़ाउणा असी खर्चा 2 लाख फिर भी कर दिंदे कहिंदे चुन्नी चढ़ाई है खर्चा फिर भी 2 लाख चुन्नी चढ़ाउणा आनंद कार्य तो हर काम च हुंदा है ना लफ्ज़ असी उहनां दे लैंदे जयमाला हिंदू वीरां दी साढ़े जयमाला भी पैण लग पई रिंग सरामणी भी होण लग पई चुन्नी भी चढ़ाउण लग पै आनंद कार्य सिख च होए ना असी अं सिख असं तो मिक्स वैजीटेरियन सब्जी बना ली है भिंडियां भी पा लिया आलू भी पा लिया गोभी भी पा ली प्याज भी पा लिया छड़ना थोड़ा कुछ असं पढ़ी जाने साढ़ा जोर कितना लगता
जोड़ के ला पंथ की जीत राज करेगा खालसा आकी रहे ना को किन्ना पढ़ते हैं सी देख देख फतेह किथे है किथे राज करना है सी किथे राज करना है सी वो भले वो कोई रीत रहन दिती दूजिया की जी असं अपने घर ना लिया हो अच्छा वो तुसी किसे हिंदू वीर नू कहो भी तू हुण जयमाला पाली आनंद कार्ज कर कहिंदा नहीं मैं मेरा पूर्ण हो गया साडा तो पूरा हुंदा ही नहीं ना गुरु रामदास जी चार लावां लैण तो बाद भी वो सारा कुछ फिर लावां लैण तो बाद वाहिगुरु आनंद कार्ज कराउण तो बाद भी जयमाला पाउणी जरूरी है रिंग सरामणी हुंदी है किनिया किनिया रस्मां साडे परिवारां विच आउणियां शुरू हो गईआं हुण सोचो इहनू जरा आनंद कार्ज लफ्ज साडा बड़ा प्यारा लफ्ज है आनंद कार्ज आनंद कार्ज तो पहला की सी ठंडे की पौर जिन्हों असी अमृत संस्कार कहने ये तैयारी है बच्चे बच्ची की ये वास्ते बड़ी प्यारी मर्यादा जो बच्चा जन्म लवे बच्चा जन्म लवे तो माँ उस वेले ही हौली हौली ककारा की रंभता करनी शुरू कर दे किवें सब तो पहला माँ अपने बच्ची है ज बच्चा बेटी है ज बेटा घड़ा पावे हे रब जी हे अकाल पुरख जी तुसा मैनू औलाद बख्शिश की है औलाद एक ककार मेरा बच्चा बच्ची धुर तो लैके आए ने दूजा ककार अज मैं तुहानू हाजर नाल जान के पाउण लगी हाँ कड़ा क्रिया चल पी ना इहनू कहिंदे धरती की तैयारी होनी शुरू हो गई हौली हौली बच्चा बच्ची जवान हुंदे गए जदों आप इशनान करन जोगे हो जाण मां रेवदार कशहरा सिंके देवे तीजा ककार हो गया हुण बच्चा केस वाहुण जोगा हो गया जां जोगी हो गई मां कंघा दे दे कृपान ना देवे जे बच्चा पुछेगा ही ना मां पिता दे कोल भी श्री साहब है तुहाडे कोल भी श्री साहब है मेरे कोल क्यों नहीं मैं बाणी भी पढ़ता हाँ पाठ भी करता हाँ मैं तुहाडे वांगू हौली हौली नितनेम भी करदा मां ये मेरे कोल कृपान क्यों नहीं फिर मां जवाब देवेगी पुत्तर धीए ये पंजवां ककार पाउण वास्ते सानू पंजां प्यारियां को खंडे की पौल लैनी पैंदी है इनू कहते धरती तैयार करनी साढ़े की होंगे रा शराब पीती ओ करतार सिंह अमर छकना ही हो फलाने महापुरखा ने अमर का बाटा तैयार किया कहते अच्छा कहते ककार फ्री मिलने कहता चल वो फिर उत्थे पांच प्यारे पहुँचते भाई जिन्हें पहली बार छकना इधर हो जाओ जिन्हें दूजी बार छकना इधर हो जाओ होंगे 200 वा उच्चों 150 इधर हो जाता हाँ भाई अच्छा इन्हें ही नहीं जिन्हें पहली बार छकना हाँ भाई तुही कितनी बार पहला छकया कोई कहता 13 वारी कोई कहता 14 वारी कोई कहता 15 वारी मजाक बन गया ना सारा सिस्टम उल्ट हो गया ना जे मन नूं सिख बनाया हुंदा फिर इक्के वारी क्रिया होनी सी गुरु काल वे वक्त इदां थोड़ा सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वक्त इदां थोड़ा सी साढ़े पंजाब दे बाबिया ने जिन्नियां लिस्टां जथेबंदियां ने बाबिया ने संप्रदावां ने जिन्नियां लिस्टां बना लिया ना पंजाब दियां भी इन्हां नूं ओह लिखदे आ उत्थे कदी उहनां दियां लिस्टां पढ़ के वेखना उन्नी साडी सिखां दी गिणती है नहीं जिन्हां नूं अमर छका चुके आ साडी सिखां दी गिणती है नहीं उन्नियां दी अच्छा वह सच्चे भी आ तुसीं पुछो किवें सच्चे इस करके आ उन्हां दे लिस्टां 'च तुसीं बंदे दे ते प्यो दा नाम ला के वेखना वो तुहानू उन्हां दे रिश्तेदारां 'च इक्के बंदे दा चार चार वारी ना आ जाणा क्योंकि चार चार वारी छकिया उहने वो कहिंदा की हो गया जी ओह भुल हो गई जी मेरे को ओह भुल हो गई जी उन्हां धक्के ना मेरे मूँह 'च पाती जी उन्हां नूं इदां करता जी मैनूं इदां करता जी इदां दी क्रिया साडे समाज चल पई असीं इस चीज़ नूं समझ नहीं सके गल की सी असल विच तैयारी ये तैयारी है बचपन तो ये माँ बाप ने तैयारी करनी सी बचपन तो जिम्मेवारी सी मैं कल्ली माँ की गल नहीं करता पिता की भी जिम्मेवारी बराबर की बनती है पिता भी घर च बच्चों नूं टाइम देवे बाणी पढ़े मैं बड़े बाप रोंदे वेखे भागां वाले जिन्हां ने करोड़ां रुपया तो इकट्ठा कर लिया जदों औलाद गुमराह हो गई ना रोंदे वेखे रोंदे मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा सी उस च बड़ी प्यारी बात कही कहिंदे अमेरिका दे सिटीजन नूं किसी ने पुछया तुहाडा पुत्र किड्डा वड्डा हो गया तुहाडा बेटा किड्डा वड्डा हो गया कहिंदा एड्डा वड्डा तुसीं हैरान हो गए उन्हें इदा को कहा उहदा लोकी तो इदा दसदे आ भी तू इदा को दस्सिया कहिंदा सुत्ता ही वेख्या कहिंदा उह किवें कहिंदा सवेरे जदों कारोबार ते जाणा उदों भी सुत्ता हुंदा भाव के बिजी इन्ना कारोबार जदों रात नूं आउंदा उदों बच्चा जिहड़ा है उह आउंदिआं नूं सौं जांदा बाप लेट आउंदा कहिंदा कई चिर हो गए मैनूं अपने पुत्तर नूं कदी मैं तुरदिआं नहीं वेख्या रेहड़े दे विच उस बाप तों तुसीं की आस लाओगे जिन्हें अपने बच्चे नूं कदी किलकारी मारदे नहीं वेख्या जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इदां दा समां अपने बच्चे नूं दिंदे अजीत सिंह नूं जुझार सिंह नूं फतेह सिंह नूं जोरावर सिंह नूं जे गुरु गोबिंद सिंह अपने साहबजादे नूं इदां समां दिंदे
ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਭੇਜਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿਆਂ ਜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੀਤ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰ ਛਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਮਰ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰ ਛਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਪੂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 8 ਪਾਸ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ ਵੀ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ 2100 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 2100 ਲੈ ਲਾ, 21000 ਲੈ ਲਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ 51 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 51 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ 51 ਲੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪਾਠ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਚਲੇਗੀ ਸਾਡੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੀ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ
जदों तू अमर संचार दे विच खंडे दी पौ लै ली, फिर जिहड़ा दूजा संस्कार है वह है, वह तीजा है, वह है आनंद संस्कार। हुण आनंद संस्कार की बड़ी प्यारी मर्यादा दसी है, कहिंदे वी सिख सिखणी का विआह बिना जात पात गोत विचार दे होना चाहिए। सिख सिखणी का विआह भाव के जात गोत तो उपर उठ के भी जे सानू पता लगता है कि परिवार काबल है तो बिना जात गोत तो करन दी रवायत पाउणी चाहीदी है, भावें कि औखी लगती है सानू, पर यह सानू कदम हुण होना शुरू हो गया। हौली हौली पढ़िया लिखिया साडा नौजवान वर्ग है, इन्हां वाले बन्ने साडे तुर लग पए ने वीर। भावें मैं नहीं कहता मर्यादा दे प्रचार ना होया, कुछ संसार की एजुकेशन ने भी साडी सोच उच्ची कर दिती है, इस करके अपने आप ही फर्क पैना शुरू हो गया। तो अगे सिख की पुत्री का विआह सिख नाल ही होवे, पर इह तों वी असीं उल्टे चले गए। साडियां बच्चियां बैंगलौर की धरती ते पढ़न गईयां, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਵੇਦੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਭਲਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਨੂ ਬੇਗਮ ਵਰਗੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਲਫਜ਼ ਵੇਖੋ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੰਭਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਸਰੀਰ ਮਨ 'ਤੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 3-3 ਲੱਖ ਠਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜਮਾਈ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ 12-13 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਬਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਗਏ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ, 10-15 ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? 5 ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਿਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? 1000 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1500 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2000 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਆਉਣਾ? ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ 'ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨੇ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ 50 ਕਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਥੱਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ 19 ਮੈਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਠਾਠ ਪਾੜਨਾ ਵਿਆਹ? ਇਹ ਪੈਲਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁੱਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਪੈਰ, ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵੱਡਾ, ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆ, ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
साढ़े घर तबाह हो रहे हैं, असं कंगाल हो जाने तो प्रैशर तुम वेखो बंदे तो झुरड़ियाँ पै जा आनंदकारी तो बाद क्यों पू चिंता खाई जाती हूँ लाने कि आरती को फड़े आ लाने कि माफ करना सरदार साहब के पोतरे व्याहुण वाले हो जाते हैं दोते व्याहुण वाले हो जाते हैं किले नहीं छुटते जड़े आरती को बच्चों के विह वे अंगूठे लवाए से तो जे दोवें परिवार आ मर्यादा प्रचारी नहीं ना इस मर्यादा समझने कि प्यारी गल लिखी है कहते कुड़माई की रस्म जरूरी नहीं पर जे करनी हो जे करनी हो की करना लड़की वाले किसी दिन संगत जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूर अरदास सोध के एक कृपान आई वेखियो जिन्हां ने अपने बच्चों के आनंद कार्ज कर ले ने जां करन जा रहे ने जिन्हां कर ले ने की ये कीता सी जे कीता ते वधाई दे पात्र जे नहीं कीता ते आने वाले समय च जे पुत्रां दे रह गए पोतरियां दे वेले यार रस्म पूरी करियो किहड़ी जे कुड़माई करनी है लड़की वाले एक कृपान कड़ा ते कुछ मिठा पल्ले पा दे मिठा लफ्ज लिखिया है असीं करदे आ मिठे का भाव गुड़ भी हो सकदा असी 15-20 डब्बे लैके जाने हर चीज़ में खर्चा वधाता ना असी हर चीज़ में खर्चा वधाता फिर जो सगन वाले आते की लैके आते जी मैनू याद आ असी एक दिन पट्टी किसी दुकान के बार बार खलोते सी तो टोकरा तैयार करा रहे फ्रूट वाला टोकरा तो वो लागे एक सरदार बैठा जो फ्रूट वाला टोकरा तैयार हो रहा है ना तो वह सरदार उन्होंने दुकान वाले कहता भी उन्हें फ्रूटियां पाती दो कहता भी तू न्याणियों कुट पवा देनी उन्होंने कहता क्यों कहिंदा उत्थे व्याह च न्याणे बथेरे हुंदे आ जिहड़े न्याणे नूं फ्रूटी आ गई दूजियां मावां ने बने बच्चे फड़का देने आ जां ते कहिंदा इस टोकरे बनाउण वाले नूं पुछ भी जां ते 100-200 कौण भी 100-200 बच्चे नूं ते आ जाए ते जां इह काम ना कर ते मैं उत्थे बैठा महसूस कर रहा सी मैं कहा वेखो किड्डू वाधू दीआं रस्मां जिड्डे वड्डे जिमीदार होणगे जिड्डे वड्डे लड़की वाले होणगे ओडा वड्डा टोकरा कई ते 4-4 लै जांदे आ कई अपने हिसाब दे नाल कई फिर सिंपल जिहा फ्रूट पाउंदे आ कई ते महंगा महंगा पाओ वधिया वधिया पता लगे जिहड़ा टोक उह टोकरा खाणा कहिंदे आ खर्चा कहते पिया रस्मां बन गया ना ये गल्लां सिख रहा तो मर्यादा जी नहीं लिखिया भी टोकरे खाने उसे कितनी सिरदर्दी होती है टोकरा बनाओ जी कहते हैं टोकरा तो बनाया ही नहीं आप उदा ही आ गए तुम पूछ लो भी टोकरे तो बिना विआह नहीं हुंदा पर किसी पुछण की लोड़ नहीं ना किसी ने इस बन्ने तुरन की यत्न किया इतने लिखा मिठा पल्ले पा दिओ भावें गुड़ की एक ढेली पा दिओ भावें खंड दे दो दाने पा दिओ भावें लड्डुआं दे डब्बा लैके एक लड्डू ही पल्ले पा दिओ मिठा पल्ले पा दिओ सिंपल गल्लां लिखियां कोई वाधू गल नहीं आनंद दा दिन मुकर्र कर लगे आ ध्यान देना होना कि सिख इदा करते आनंद का आनंद कार्य का दिन मुकर्र कर लगे हाँ कोई थित वार चंगे मंदे का दिन की खोज करने लई पत्री वाचना मनमत है ते असी अं तो फैमिली पंडित रखे हुए ने पुछते हैं जी कुंडली मिलाओ भी वह कुंडलियाँ मिला मिला वेने भी यदा आपस कुंडली मिलती है क्योंकि पंडित ने वहम पाता भी जो कुंडली ना मिली तो काम नहीं सही होना मैनू याद आ बंगला साहब एक दिन कथा करके मैं बाहर निकलिया तो एक बुजुर्ग माता मैनू कहन लगी भी बेटा एक बेनती है मैं कह नहीं माता जी हुक्म करो कहिंदी भी मैं अपने पुत दा करना आनंद कार्ज पंडित ने मैनू वहम पाता सुनो हुण मैं कहा की कहिंदी पंडित मेरा बेटा मैं कहा बेटा तुहाडा मंगिया कहिंदे हाँ जी मंगनी हो गई है विआह दा दिन भी मुकर्र हो गया तो पंडित ने तो बहुत वड्डा वहम पाता मैं कहा की कहिंदी पंडित कहिंदा है कि जिहड़ी तुहाडी ये नूह आउणी है ना जिहड़ा जिहड़ी तुहाडे बेटे नाल मंगी गई है इन्हें तो तुहानू घरों बाहर कढ़ देना इन्हें तुहाडी सेवा ही नहीं करनी तो मैं तो बड़ी टेंशन चा मैं तो पुत इस करके पैदा किया वड्डा किया भी नूह मेरी सेवा करे जे इस नूह ने मैनू घरों कढ़ देना तो मेरे पुत व्याहुण दा की फायदा मैं कहा उन्हें कुछ होर भी दस्या कहिंदी हाँ होर भी दस्या उन्हें कहा सेवा कर सकदी पर थोड़ा जिहा खर्चा आऊ मैं कहा असल च नूह नूं कुछ नहीं होया सारा होया इह पंडित नूं मैं नूह नूं कुछ नहीं मैं कहा ये तो माता इस तरह हाँ कि जिवें किसे वेखो साडियां मनौतां बन गईआं इदां असीं बाबिआं कोल जाण लग पए उधर पंडित ते साडे बाबे आ बाबिआं कोल जाणे जिवें पिंडां च भाई हुंदे सी किसे दी मझ ना मिलनी भाई दे कोलों उह पेड़ा करा लिआउणा बच्चा रोणा कहिणा फांडा कर दे उहनूं कहिणा फांडा कर दे माड़ा जिहा बच्चा रोंदा हुण नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है उह इहनां गल्लां नूं मंनदी नहीं पर साडे समाज च हुंदा रहा ना भाई नूं कहिणा फांडा कर दे माड़ा जिहा ते मैं कई वारी कहिणा ना तुहाडे बच्चे रोणगे ते भाई कोल लै जाओगे जे भाई दे रोणगे उह कित्थे खड़ू भाई दे बच्चे भी तो रोंदे आ भाई दे भी तो बच्चे आ ना तो मैनू याद आ इत्थे ना पिंड नारला नारला पिंड है पट्टी लागे उत्थे असीं कैंप लाया बच्चों का तो पिंड की संगत इकट्ठी हो गई वो जाके कमेटी नूं कहिंदी भी असीं भाई नहीं रखना है बीबियां इकट्ठियां हो गई नारले पिंड दियां वह कहिंदियां असीं इह भाई नहीं रखना आंदे क्यों हुण ध्यान देना लॉजिक वेखो उहनां की दित्ता बीबियां ने पिंड दियां ने
कहते असी नहीं भाई रखना, कहते क्यों, कहते इस भाई नूं आउंदा ही कख नहीं। अच्छा उन्हें सोचा शायद पाठ नहीं आता, कहते की नहीं आता, कहते ना इनू पेड़ा करना आए, ना इनू कोई धागा करना आए, ना इनू कोई फूक मारनी आए। पहला भाई पानी च फूक मार के दिंदा सी, पहला भाई आ करदा सी, इनू तो कुछ भी नहीं आता। वो असल च भाई पढ़िया लिखिया सी, उन्हें गुरबाणी के अर्थ पढ़े सी, उन्हें कोर्स किया सी, वो किसे वह। मैं वो उन्हां भैणां नूं सी बेनती की, भी भैन जी भी जे ये भाई तुहाडे कोलों पेड़ा करा के पेड़ा करके एवें फूकां फाकां मार के तुहाडे कोल 20-20 रुपये 30-30 ले जाए फिर चंगा, जे तो करे लुट फिर चंगा, जे तुहानूं ज्ञान दे रहा तो तुसीं कहिंदे हो भाई बदल देना, इहनूं तो फांडा करना नहीं आउंदा, इहनूं तो कोई फूक मारनी नहीं आउंदी। तो मैं उत्थे हासे च गल पाती, मैं कहा जे फूकां मरवाउणियां सप्प रख लो, भी सप्प बहुत फूकां मारदा, भी जे फूकां ही मरवाउणियां तो सप्प जिन्नियां फूकां मारदा उन्नियां तो बंदा वी नहीं मार सकदा। भी तुहाडी तुहाडा मापदंड की है, भी जिहड़ा तुहानूं लुट नहीं रहा तुहानूं ज्ञान दे रहा, तुसीं कहिंदे भाई नहीं चंगा। यह पट्टी डिस्ट पट्टी तहसील की गल है, पिंड नारला, ये सिर्फ 1.5 साल पहलां की गल जी, अंदाजा लगा लो तुसीं भी असी साडी परख भी नहीं हैगी भी सानूं जिहड़ा ज्ञान दे रहा साडे बच्चों गुरबाणी पढ़ा रहा वो भाई चंगा, जिहड़ा सानूं फांडे करके देवे सानूं कहे भी आ जिहड़े जिन्नियां वहमां च पाउंदा उहनूं असीं चंगा मानदे। मैं वो तुहाडे नाल घटना सांझी करूँगा जिहड़ी इस गल नाल बड़ी संबंधित है। वह कहिंदे भी जिहड़ा पंडित सी अपने घर गया तो पंडित की घरवाली बड़ी उदास है, उहदी पत्नी पुछदी भी की गल है तुहानूं, तो पत्नी बड़े प्यार नाल कहिंदी कहिंदी अपनी धी जवान हो गई आ, आपां अपने पुत धी का विआह करना आउंदा, फिर आउंदी इहदे वास्ते आपां नूं रूं चाहीदा। उन्हें फिर रजाई तलाई पे सहुरे जाण लग्गिआं कुछ देना पैंदा, पंडित बड़ा सियाणा सी कहिंदा आपां कहिहड़ा मुल खरीदनी है, आपां कहिहड़ी मुल खरीदनी, आपां अज जमान दीआं इक धी दीआं लावां कराउण जाणा, आपां उत्थों लै आउणी है। पंडित चला गया जी किसे दी धी दीआं लावां कराउण। देखो साडे धर्मी बंदे किवें मानवता नूं लुटदे ने, इह केवल ब्राह्मण दी गल नहीं हो रही, उस मेरे वर्गा पग वाला भी हो सकदा, गोल परने वाला भी हो सकदा, कोई बाबा ढाडी कोई भी हो सकदा जिहड़ा सच ना दस के अपनी रोजी चलाउणी चाहुंदा। ब्राह्मण चले गया किसे दी धी दा विआह कराउण, अजे विआह होणा सी, एक दिन पहलां चला गया, कहिंदा भी राती मैं पत्री खोली कुंडली मिला के वेखी तुहाडी धी दी तुहाडे जवाई नाल, ते मैं ते बड़ा परेशान हो गया, मैनूं ते नींद ही नहीं आई। कहिंदा की होया, कहिंदा तुहाडी धी दे सिर ते मंगल ग्रह है, मंगलीक है तुहाडी धी। कहिंदा अच्छा, कहिंदा ओह की हुंदा, कहिंदा तुहाडी धी दा जिहड़ा पति है थोड़े चिर बाद कालवास हो जाएगा। बड़ा परेशान होया भी मैं धी नूं विआहुणा ते मेरा जवाई चढ़ाई कर जू, कहिंदा जिहदा कोई उपाय हैगा। कहिंदा हाँ इहदा इक उपाय हैगा। कहिंदा की, कहिंदा जिथे आपां वेदी दीआं लावां लैणियां उहदे बन्ने बन्ने चार पंडा रूं दीआं बन्न के रख दो, क्योंकि उहनूं रूं चाहीदा सी ना। वो अपनी पत्नी नूं कह के आया सी भी रूं लैवांगे, आपां कहिहड़ा मुल लिआउणा। कहिंदा चार पंडा रूं दीआं बन्ने बन्ने बन्न के रख दो। कहिंदा जी मंगल ग्रह टल जू, कहिंदा टल जू, हुण ध्यान देणा। उहनूं इह नहीं सी पता भी अग्गे लड़के वालिआं दी बरात विच वी कोई ब्राह्मण आ रिहा, वो लड़के वालिआं दी बरात विच वी इक ब्राह्मण आ गया, वो तजर्बेकार सी बजुर्ग सी। वो जदों लावां होने तो पहला उन्हें ध्यान मार लिया भी रूं दीआं पंडां चार पईआं, भी मैं अपनी जिंदगी च कई विआह किते, आह रूं दीआं पंडां तो पहली बार वेखिया, उन्हें हिसाब ला लिया भी ये मैं भी लुटदा रहा, पर आह तो बंदे ने कमाल ही कर दित्ती, रूं बड़ा महंगा। उन्हें हिसाब ला लिया भी ये पक्की गल आ भी ब्राह्मण की शरारत होनी, क्योंकि पता होंदा ना जिवें सानूं अपनी लैण वाले का पता होंदा भी ये गल फिट कोई नहीं हैगी, ये जाण के लुटन डए आ, ते तुसीं डर जाणा। सानूं पता साडा जिवें डॉक्टर नूं पता होंदा ना डॉक्टर बारे, हुण सानूं पता भी ये गल है कोई नहीं, ये गुरबाणी च कितें नहीं हैगी, पर डराता परिवार नूं, परिवार वाले कहिंदे भी लै तगड़े हो गए। असीं गोभी खरीदण लगे हाँ भा तय करना भी उत्थों खरीदी है, वह 4 रुपये कहिण डिया तूं साडे कोल 5 लाई जाना, बहस करांगे ना। पर जदों धर्मी धर्म के नाँ ते तुसीं 500 कढ़ा लो 2000 कढ़ा लो, कभी बहस की किसी ने, कोई बहस करन नूं तैयार नहीं। रिक्शे वाले नाल भी भा करांगे पर धर्म के नाँ ते जिन्ना मर्जी लुट लो। अच्छा वो पंडित ने अपनी भाषा च पुछया उन्हें, उन्हें लड़की वालों नहीं पता लगन दिता तो ना लड़के वालों को पता लगना। लड़के वालों वाले जो पंडित आया वो कहता अचरजंग विआह, उन्हें अपनी भाषा से उसने गल की भी जे मैं सीधा पूछा तो फस जाना इन्हें भी, कहता अचरजंग विआह चौतरफंग कपाह, कहता अचरज विआह चारे बन्ने कपाह, ये कि उन्होंने पता लग गया भी इन मेरे बारे पता लग गया पंडित। कहता चुप्पंग गुड़ुप्पंग अर्धो अर्धंग सवाहंग, कहता चुप कर जा दो पंडा तू लै दी जान लगे, कहिंदा चुप कर जा जान लग्या दो पंडा तेनू दे दूँ, दसना तो ही लड़की के पिता भी ये विआह का रूं नाल कोई संबंध नहीं। हुण रूं चाहीदा सी पंडित की अपनी धी नूं, ते भार किते पै गया भला, वो भार किते पिया आम वर्ग ते पै गया ना। मतलब इदां दीआं गल्लां साडे विच थोप दित्तियां गईआं, वो साडे च आ गईआं,
साढ़े घर पा दती गई साढ़े मन चो चीज़ा जड़िया ला दी गई सानू इन्ह गलों का पता कोई नहीं इतने लिखा कोई थितवार पत्री वाचन की लड़ नहीं। मैं उस बेबे को कहा मैं क्या माता तू जो पंडित को गई पंडित ने वहम से पाना जो दुकान खोल के बैठा है ना उन्हें तुम्हें वहम च पाना ही पाना तुम एक योगी वेख लो योग मत तो गुरबाणी रोक दी सानू गली योग ना हो एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई योग ना खिंथ है योग ना डंडा है योग ना भस्म चढ़ाई है योग ना मुंदी मूंड मुंडाए योग ना सिंगी वाही है अंजन माहे निरंजन रही है योग जुगत एव पाई है योग ना बाहर मड़ी मसाणी योग ना ताड़ी लाई है योग ना देश दसंतर भावे योग ना तीर्थ नाई है भाव कि ये योग नहीं होना योग का अर्थ होंगे मिलाप योगी का अर्थ होंगे जो मिलाप वास्ते तुरिया जिस योग मत दियां धजियां उड़ातियां गुरु साहब ने अज वह योगी सिख दे घर आ जे सिख दे घर तो कुछ ना कुछ लुट के लै ही जाता खेस लै जूगा लोई लै जूगा पांच सात सौ दमड़ा लै जूगा देख ही जाता गिदड़ सिंगी कहिंदा गिदड़ सिंगी लला तेरे पोतरा वीजा अमेरिका बेंसी वाला ला ही देना ये पक्की गल ही फसल बड़ी होगी आह बड़ा काम होएगा तो असी लालची हाँ असी कहना भी क्या बात है उत्थे ये दिमाग ने मासा वरतों नहीं करनी भी ये मेरे ते विजय लवाउण डिया आप ते कौली कौली आटा मंगदा फिरदा भी ये मैनू इन्ना कुछ दिंदा आप क्यों नहीं सब कुछ प्राप्त कर लैंदा जिस योग माती योगियों को चले गए पत्रियां वाचन वालों को चले गए गुरमत नहीं समझी असी इत लिखा पत्री वाचना मनमत है सिख ने अपने पुत्र धी दे आनंद कारज वक्त किसी पंडित को जाके पत्री नहीं खिलानी कोई दिन ध्यान देना कोई दिन जो दोवां धरां नूं आपस में सलाह करके चंगा दिसे वह नीयत कर लो जिहड़ा दिन चंगा लगे वहम नहीं करना पर वहम तो साढ़े घर इत्थों तक हुंदा जदों सगन लगता ना उदों महाराज का प्रकाश लैके आउंदे आ चढ़दे वल मूँह करना जी लड़के का मकान पाउण लगे वी वहम किहड़े किहड़े कर्म चों असीं निकले आ इन्ने इन्ने वहम साढ़े परिवारां च आ गए किदां किदां दे वहम साढ़े परिवारां विच आउणे शुरू हो गए अगे लफ्ज़ ध्यान देना हुण इह सिख रहत मैं लिखिआ जी शाब्दी कौन आ धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इस अगे की लिखिया शेरा नहीं बनना जिहड़े जे नहीं बनने उन्हां दी मैं गिणती कर लगा सेहरा मुकट जां गाना बनना पित्तर पूजने कच्ची लस्सी विच पैर पाउणा बेरी जां जंडी वढ़नी घड़ोली भरनी रुस के जाना शंत पढ़ने हवन करना वेदी गढ़नी ते वेशवा दा नाच करना अज दे समय च की है आर्केस्ट्रा की है आर्केस्ट्रा जिड्डे वड्डे सरदार आ उन्नियां महंगियां आर्केस्ट्रा लैके आउंदे आ ते जिहड़े सिख धीआं बचा के लिआउंदे सी ना गजनी दे बाजारों वेखदियां इदा गात्रे पाए होंगे तो पैल से वेखन लिया इधर तो फिर खुश हो के फुफड़ भी नोट दे आता रागी नू देन लगे नोट कढ़ दे हौली हौली दहां दा ऐ जिहड़ा मरिया जिहड़ा पाटा जिहनू पच्ची परची लगी है उसे गाउण वाली उत्तों दी 500 दा नोट वारना बाद च भावें घर वाली पुछे भी वह पैसे तुसीं वाह लेके गया ही वह पीती खाधी च वंडे गए उसे वंड आए उत्थे भावें एक किले का झोना उत्थे ही सुट आवे उत्थे ही साढ़े समाज च इदा होया। मैं बंगला साहब तो बोलिया सी भी जिहड़े रागी प्रचारक मूँह माया मांग के कीर्तन कथा करते हैं मैं उन्होंने हक च नहीं पर साडे समाज ने बेकदरी बड़ी की उन्होंने किवें भला इक्के आनंद कार दे विच तुहानू पता दलेर मेहंदी किवें बनिया सी दलेर मेहंदी रागी सी कीर्तन करन आया तो 250-300 रुपया दे के तोड़ता तो जदों उन्होंने विआह आया तो 2 लाख रुपया लिया गंदे गीत गाउण दा तो उन्हें बोलिया मुड़ के स्टेज पर तुसीं वेखो रागी सिंह आसा की वार दियां 24 पौड़ियां गाउण तो बंदा 10 रुपया कढ़न लगा 100 वारी सोचता भी देइए ना देइए देइए ना देइए तो उहो ही कितें विआह ते कोई सेहरा ही पढ़ दे ना सेहरा विआह ते आण के सेहरा ही पढ़ दे उन्हें कहना नानी मिली वो रात सुपने च आई तेरा नाना मिलिया उन्हें कहा इदा करी एवें झूठ गप्पां गपौड़ बंदा उठ के 100 का कढ़दा नोट 100 का नोट कढ़ के दे आउंदा उत्थे वो फिर रागी सोचता पासे बैठा कहता मैं 24 पौड़ियां याद कीतियां सलोक संत याद किए मेरे वजह से आया 300 इन्हें मरे नाने की तरीफ करती मामे की तरीफ करती फुफड़ की तरीफ करती ये 2100 मिनट च पा के गया आह काम चंगा नहीं साढ़े फिल्म इंडस्ट्री वाले चंगे चंगे रागी खिंच के तुहानु पता जिहड़ा हरभजन मान है बहुत वधिया ढाडी सी हरभजन मान कवीशर बहुत वधिया नहीं नहीं ढाडी सी कवीशर नहीं यूट्यूब पर जाओ ये ढाडी सी सरंगी ये डब वजाउंदा सी नाल रामू वालिया जिहड़ा सी इन्हां दे रिश्तेदार ने तुम यूट्यूब पर जाके ना हरभजन मान लिखो यूट्यूब पर तो इहदियां पुरानियां सारियां फिल्म आ जाणगियां ये पग बधी इहने सिर ते हरभजन मान ने ते जंग जहाजे उदों ढड वजाउंदा ते गुरसेवक मान सरंगी वजाउंदा
सेवक मंडल का प्रा संगी जी चंगे चंगे साढ़े ढाडी साडिया नलायकिया के कारण फिल्म इंडस्ट्री वाले खिंच के लै गए क्योंकि असी उन्होंने बनता माण सम्मान ना किया। मैं नहीं कहता भी उन्हें चंगा किया, वह गंदे गीत गाने वाले बने। हुण जिहड़ा इज्जत माण उन्होंने गुरु की वडियाई करने आना सी नहीं मिलिया, पर कि ना कि कसूर तो साडा भी है ना। असी आर्केस्ट्रा लिया शुरू करता कलाकारों, जे पूरे पंजाब सारे सारे समाज वाले एका कर लैन, असी किसी ने भी अपने विआह शादी के उत्ते कलाकार का खड़ा नहीं लवाना। ढाडी कमीशन सदने ने, ढाडी कमीशन सदने ने, तो आपे संगती माहौल बदल जूगा ना। असी रुझान पाया ना, असी जिहड़े NRI उन्होंने वड्डा कलाकार सद लिया, जिन्हां दी वड्डी पहुँच सी, डालर पाउंड अमेरिका वर्गी धरती तक कमाउंदे सी, उन्हां कहा वड्डा वड्डा कलाकार करो तां कि पता लग जाए। साढ़े समाज की गलत रीत हो गई, सिख रहत मर्यादा की विचार निकल गई। इत्थे लिखिया बकायदा वेशवा दा नाच नहीं करना, इहदा सुधरिया आ रूप जिहड़ा जिहनूं असी वेशवात नहीं कहते, वह असल च मजबूर धियां किसी परिवार दियां जिहड़ियां पापी पेट वास्ते गाउंदियां ते साडे पंजाबी अखां पाड़ पाड़ के उन्हां वल वेंदे, किस दा जी नहीं करदा जिसम की नमैश करना। पता नहीं किन्नियां क मजबूरियां, पर साडे समाज ने उन्हों सांभिया नहीं। मैं तो अज ही दास कनेडा ते लाइव रेडियो ते इत्थे बोल रहा सी, ते मैं NRI वीरां नूं बाहरले कनेडा वालियां नूं बेनती की है कि जे पंजाब की धरती दे उत्तों डेरावाद वधिया उहदे विच बहुत वड्डा कसूर बाहरली कंट्री दे सिखां दा, जिन्हां ने डेरेदारां नूं अरबां रुपया इकट्ठा करके दिता, उन्होंने आके डेरे ते वड्डे बना ले, किड्डा चंगा हुंदा। इत्थे यूनीवर्सिटियां वड्डी बनदियां, इत्थे वड्डे वड्डे कॉलेज बनदे, इत्थे उन्हां दे बिजनेस वास्ते साडियां धीआं नूं रोलना ना पैंदा, साडे नौजवान रोलदे ना डिग्रियां लै के उन्हां नूं बनदियां नौकरियां मिलदियां, आत्महत्या साडे नौजवान ना करदे। पर नहीं, डेरे तां वध गए, वधिया वधिया बिजनेस तां चल पे, पर असी सिक्खी नूं बहुत ज़्यादा गरीब कर दिता। डेरा अमीर हो गया, गुरु नानक साहब जी तुहाडी सिक्खी गरीब हो गई, असी कंगाल कर दिती, गरीब कर दिती, पर कभी पढ़न ते विचारन की कोशिश असी नहीं की। गुरु साहब सानू की कहिंदे सन, मैं समझदा किड्डे सुचेत हो के इन्हां सिखां ने आ मर्यादा बनाई सी साडे परिवारां दे हित वास्ते, भले वास्ते, भी आ सब चीज़ां नहीं करनियां। पर की हुंदा, सेहरे खरीदे जांदे ने, फिर वो सेहरा हुण वैसे नौजवान सेहरा नहीं लाउंदे, सेहरे हुण नौजवान लाउणों हट गए, पर बाद विच सेहरे मढ़ा के रख देने। सब कुछ साडियां चीज़ां साडे परिवारां विच, चूड़ा नहीं पाउणा पर चूड़ा पाया जांदा। हुण मान लो किस कोई माँ बीमार होवे, उह अपने पुत दा आनंद कार्ज इस करके करे भी मेरे को रोटियां नहीं पकदियां, मेरे को हुण घर दा काम नहीं हुंदा, मैं अपना पुत विआह लां, इधर मामियां ने चूड़ा लै के देता। हुण जिहने चूड़ा अरकां तक पाया, वह 4 किलो आटा किवें गुन्नूगी, उहदे चूड़े दा रंग लै जाणा हौली हौली, उहनूं कहिणा पुत तूं उत्थे घुम्मे आ, उत्थे घुम्मे आ, उत्थे घुम्मे आ। घुम्मदिआं घुम्मदिआं कहिंदी वाह वाह बेबे कम कर लैंदी आ, वी मैनूं जे विआह होण तों बाद इन्ने क दिन घुमाता। फिर वह बेबे कह बेबे नूं कहिंदी बेबे तूं ऐं कर थोड़ा जिहा तूं कर ला, हौली हौली करदिआं करदिआं भार वंडना शुरू हो जाता। बेबे बेचारे दी उहो ही परात हिस्से आउंदी है, उहो ही चुल्हा चौंका हिस्से आउंदा। फिर साडियां जिहड़ियां नूहां बच्चियां तीआं परिवारां तों बागी हो जांदियां, किसे ना किते कसूर साडा अपना। सिख दी धी दा जिहड़ा असली शिंगार सी ना, उह कड़ा सी चूड़े पाउण दी, चूड़े ते कायर। तुसीं वेखो जिन्ना भी शिंगार औरत दा ना, उहनूं गुलाम बनाउण वाला वा, गुलाम बनाउण वाला। चूड़ियां पवा दित्तियां उहनूं, शकुंतलां पवा दित्तियां उहनूं। असीं कल ही सिख इस्तरी सम्मेलन कीता, उहदे विच बड़े वधिया टॉपिक रखे सन, ते बड़े वधिया विषयां ते साडे बाहरों आए लैक्चरां ने ये चानण पाया कि जिहड़ियां पैरां झांजरां राजपूतां दे घरों आईआं, राजपूत औरत दे पैर च झांजरां पाउंदे ने गुलाम रखण लई, भी जदों औरत भजूगी सानू पता लग जू भी उधर नूं गई, फड़ लियावांगे। वेख्या तुसीं अज नूं मंड दे विच जानवर चारन जाईदे सी, मझां गावां उहनां दे गल विच टल पा देणे, उन्हां दे पैरां दे विच कोई पा देना जां दाया पा देना दूरों पछाण। वेख्या तुसीं, मैं आप वेख्या दरियावां दे कंढिआं ते जदों मझां चोण जांदियां सी, उन्हां मझां चों इक मझ दे गल च टल पा देना वड्डा सारा, तां कि वागी नूं पता लग जाए इत्थे कि जे मझ चुभदी है। झल बड़ा सी, बड़ा वड्डा मंड होणा। इह झांजरां औरत नूं गुलाम बनाउण लई पाईआं, पर साडा शिंगार बण गिआ, नक्क च कोका कन्न च वालीआं। इह शिंगार नहीं सी, इह गुलामी दे चिन्ह सी, पर हौली हौली समां पा के की बण गिआ, शिंगार बन गया, जिन्हों असी समय नाल नहीं समझिया साढ़े घर। तो इस शिंगार से साढ़े किन्ना खर्चा होंदा, हुण जदों असी अपने पुत्र धीआं दे आनंद कारजां ते होर चीज़ां दे खर्चा करते हाँ, उत्थे असी सोना इकट्ठा करन ते भी खर्चा करते हैं, भी आह भी बना लीए, आह भी बना लीए, अगे आपां वालियां बनाउणियां वा, कांटे तैयार करने, इन्हां गल्लां ते साडा जोर लगना शुरू हो गया। बड़ी सिंपल गल लिखी सी जिन्हां ते असी पहरा दिंदे, शराब अगे लिखिया वेशवा दा नाच नहीं करना, शराब आदि मनमत, शराब आदि मनमत है, भी विआह ते शराब नहीं,
एक च लिखा जी सिख रहत मर्यादा विच लिखा शराब विआह ते मनमत है कि यह मनमत हो रही है पंजाब च भागां वाले हो क्यों गुरु प्यारे हो मेरी भैनो कि विआहां ते शराब पीती जाती है भला कि नहीं पीती जाती मेरे ख्याल नहीं पीती जाती क्यों जी पीती जाती है अच्छा चलो तुसी कैमरा घुमाओ इधर नूं भला किन्ने परसेंट पीती जाती होगी अंदाजा लाओ भला भी सौ सिख दे आनंद कार्य ते किन्नियां विचों पीती जाती होगी कोई भैन दसो किन्नियां जी किन्नियां जो वाह सौ तो सौ तो उपर हुंदी है इधर वीर दसो जी सिख दे आनंद जिहड़े साडे अज पंजाब च आनंद कार्ज हो रहे ने भी कोई आनंद कार्ज नहीं जी शराब ना पीती जाती होवे कि सारयां च पीती जाती है क्या बात आ एक अद्धा प्रसेंट वह भी जिन्होंने गुरमत समझ ली है नहीं तो ज़्यादातर ज़्यादातर साड़िया बच्चों के विवाह शादियों से शराबा पीतिया जाए की मनमत है हुण तुसी दसो आपां इह विचार की है तुहाडे चों जिन्ने बैठे ने जिन्होंने अपने बच्चों के आने वाले समय च आनंद कार्ज करने चलो हो सकता बच्चा ना मने तुहाडे चों कोई नौजवान वीर बैठा जिहदा अजे आनंद कार्ज कराउण दा वक्त है कि कोई ऐसा आपां इत्थे प्रण करदे आं भी आने वाले समय च मैं अपना आनंद कार्ज करांगा मैं ये शराब वाला मनमत अपने परिवार में नहीं होण देवांगा कोई है नौजवान ऐसा हथ खड़े करो जी कोई नौजवान प्रण करे भी मैं अपने बच्चे अपने आनंद कार्ज ते ये मनमत नहीं करांगा जां कोई बुजुर्ग बैठा कहे कि मैं अपने बच्चे नूं मना सकदा क्यों बापू जी अपने पुत्तां ही अपने सैमीनार लाउण दा फायदा ना भी कोई अपने पोते नूं कहे मैं अपने पोते नूं मनावांगा बेटा आपां 20 30 40 हज़ार की शराब अपने बेटे के आनंद कार्य ते नहीं पिउणी सगों उहदे बदले गुरमत की विचार करनी है गुरमत की विचार करनी है सारे जाने एक बार हथ खड़ करके ये प्रण करो कि आपां यतन करिए पूर्ण तौर पर बोले सो निहाल दुनिया अंदर कोई माड़ी चीज़ नहीं थोड़ा जा संघर्ष करना पऊ सानू इहदे बदले कि असी शराब वर्गा कोड़ अपने परिवारां चों मुका सकीए कोई भैणा भी साथ देण परिवारां च रल के रह कीती जावे कि असी अपने बच्चे दे आनंद कार ते शराब वर्गा कोड़ अपने घर लै के मैं समझा सारी सिख रहत मर्यादा चों तुसी एक चीज़ ते प्रण कर लो कि असी अपने बच्चे दे आनंद कार ते शराब ना पिउणी है ते ना पीनी है बराती बेशक दो चार घट आ जाण सानू कोई परवाह नहीं मैं समझा इन्हां वीरां दा कीता होया सैमीनार कीतियां गुरमत विचारां साडियां सारियां ही सफल हो जाणगियां अगली गल आ जिहड़ी गल है ये गौर करन वाली है जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे साई चिट्ठी ते लिखिया हुंदा बराती लियाओ 11 ते जांदे कहिंदे ने 1100 किन्ने जांदे जी 1100 जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने लड़के नाल लैके लड़का सहुरे घर जावे ये मर्यादा भी जिन्हें मंगावे उन्हें ही लैके जावे तो लड़की वाला थोड़ा लिखता लड़की वाला साई चिट्ठी तो 11 ही लिखता उन्हें पता वो साई चिट्ठी तो उदा लिखे आता मेन तो उन्होंने सीधा पता होता कई लड़के वाले सीधा फोन करते आ पैलस ना करो जी ये वधिया नहीं है वधिया करो साडे रिश्तेदार बाहरों आने वेखो एक आनंद कार्य बदले असं कितों तक चले जाने तो साढ़े इतने पंजाब दे वड़े वड़े ब्रह्म ज्ञानियों के पुत्रों के विआहों पर भी इन्ना कुछ होया तुहानू पता बड़ा कुछ होया इतने ब्रह्म ज्ञानी खवाउण वालियां ने भी लेखे तोड़ दिते अपने पुत्रों के आनंद कार्जा से जिते किन्ना किन्ना खर्चा किया गया जिन्होंने मार्गदर्शन बनना से लोगों वास्ते जिन्हें कौम की अगवाई करना से उत्थे भी एडा कुछ होया जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने नाल लैके लड़का सहुरे घर जावे दोई पासी गुरबाणी के शब्द गाए जान ते फतेह गजाई जावे दोवें पासी गुरबाणी गाई जावे ते फतेह गजाई जावे इत्थे कोई रस्म नहीं लिखी भी वो डीकन डे होने जांदियां नूं हुंदा ते इदां ही है ना पैलस के बाहर विचारे इदां खलोते हुंदे आ भी जिदां बहुत वड्डा पाप किया उहनां कोल लड़की जम के भी बहुत वड्डा पाप किया असल च पता कित्थों चली गल पुराने समय च कबीले होंदे सी कबीला युग सी ना जदों कबीला युग उस समय सी भी जदों जिहड़े तगड़े कबीले वाले सी ओह माड़े कबीले वाले दीआं धड़क धक्के नाल लड़कियां खोह के लै जांदे सी ते माड़े माड़े जिहड़े सी उहनां विचारियां कोई ताकत नहीं सी हैगी अग्गे समां पिआ ध्यान दे नाल थोड़ी जी एकाग्रता बख्शिश करनी ये आनंद कार्ज तक गल किदां पहुंची जिहड़े तगड़े कबीले वाले सी ओह माड़े कबीले कबीले युग दे विच धाड़वी दूजियां दीआं धीआं चुक के अपने घर लै जांदे सी घर वसा लैंदे सी
हौली हौली जागया, समाज जागया, समाग विच चेतना आई। फिर उन्हां कबीले वालियां नाल समझौता किया, ध्यान देना, पहला कबीले वाले अपने परिवारों के ही लड़कियां लड़कियां के विआह कर लेंदे सी। फिर उन्होंने लड़कियां वटाउण दा रवाज आया, किवें भी एक कबीला दूजे कबीले जिन्नियां लड़कियां देवेगा उन्नियां लड़कियां दूजे कबीले वाला दूजे कबीले देवेगा। यह समा चलता गया। फिर भी की होया भी जिहड़े तगड़े से कबीले वाले उन्होंने गरीबों उत्ते अत्याचार करके उन्हां दीआं धीआं जादियां लै जाणियां, उन्होंने बदले में घट देनियां। फिर की होना, जिहड़े माड़े कबीले वाले उन्होंने डीकना भी अज तगड़े कबीले वाले साढ़े ते हमला करन आउणा। उन्होंने डरदियां ने विचारे ने नाले उन्हां दी आओ भगत लई कोई साजो समान खाण पीण दा प्रबंध करना, उन्हां दे माण सम्मान लई कुछ उन्हां वास्ते तोहफे रखने। जिहदा बदलिया होया रूप साडी मिलनी वक्त, ये बदलिया होया रूप आ भी लड़के वाले खौरू पाउंदे आउंदे आ, नचते टपते भंगड़े पाते होंगे, तो लड़की वाले बेचारे कंबल लैके इदा खलोते आ भी वह साढ़े धाड़वी बन के आ रहे, वो बैंड लड़के वाले बजाते भी अं जित जित प्राप्त करना है इन्हें, वह बैंड कदा बजा रहे कार तो इन्हें दी, बैंड बजा रहे कार लड़की वाले दी, कड़े इन्ह पाने ने, कंबल इन्ह देने ने, समान इन्हें देना, उदा ही बैंड बजाई जाते हैं। बैंड तो इन्होंने बजाना चाहिए भी मंगते आए साढ़े घर से देने लगे इन्हों, है ना, उल्ट हो गया ना काम उल्ट हो गया। एक विगड़िया होया रूप है, होया कि भी वह जो लड़की वाले बेचारे इतने लिखा भी सिर्फ फतेह गजाई जाए, सीधे ही आनंद कार्ज करो, कोई रस्म करने की लड़ नहीं। फिर जे जे सधारण होंगे वो आम हार पा के मिलनी करते, जोड़े थोड़े जे अमीर होंगे फुल नोटा वाले हार, फिर कंबल तो कई कुछ सोने दिया मुंदरिया छापा बड़ा कुछ इदा इदा का समान चल पाया। ये आनंद कार्ज की मर्यादा नहीं है, ये साड़ी देखा देखी है, ये असी रुझ गए इन कामों के, असी पै गए, साडा समाज इस बने वह गया, तो ये चीज़ा हौली हौली साढ़े परिवारों में आ गई। असल च रवाज तो उल्ट चाहिए, दाज तो लड़की वालों लड़के वालों देना चाहिए, पता कि हुण नौ डॉक्टर बनी है, जे नौ डॉक्टर मिली किसी नूं ते लड़के वाले सगों कहन भी तुसां साडी धी नूं, धी है ना तुहां डॉक्टर बनाया तो दसो जिन्ना खर्चा आया, क्योंकि सारी जिंदगी कमाई पुत पोतरियां ते साडे इस बच्ची ने लाउणी है, तुसीं जिन्ना खर्चा किया असी मदद करते हैं, जे तुसीं डॉक्टर बनाउण ते 10-20 लख लाया कुछ असी मदद करते हैं। माफ़ करना जे ये रसम ये मर्यादा साढ़े समाज चल पवे ना, चार धियां भी जम पैणगियां ते बाप फाह लैके नहीं मरूगा, चार धियां भी जम पैणगियां ना ते बाप खुदकुशी नहीं करूगा। अज एक धी जम्मण वाला खुदकुशी क्यों कर रहा, क्योंकि मूँह टड्डे हुए ने, एक धी जवान करके डॉक्टर बना के दे रहा, एक नाल उहदे समान दे रहा भी पैसे लै लो वस जाए, पैसे लै लो नाल ताकि साडी धी नूं प्रवान कर लो। ये चीज़ा साढ़े समाज में आ गई, हौली हौली प्रचलित हो गई। इत्थे लिखा कोई इहोजी रस्म ना की जाए, विआह वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर दीवान लगे, हुण इत्थे दीवान लगे लिखिया, दीवान भी जिन्ने बराती जान दीवान च बैठन, वो चीज़ साढ़े चो निकल गई, असी तो सीधा पैलस में जाना, मिलनी होनी आ चाह पानी पीना, तो फिर एक गड्डी दे विच बह के ते गुरुद्वारे चल जाना। उसे भाई बेचारा सवेर का डीकन डिया, भाई सवेर का डीकन डिया बेचारा, तो आनंद कार्ज हो गया, काली काली किसी ने नहीं, उत्थे कोई कीर्तन नहीं, कोई उत्थे कथा नहीं, कोई विचारा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, भी चार लावां दे अर्थ ही दस दो, भी चार लावां हर पहलड़ी लां प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जीओ बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पावत जा बलराम जी, उहदी कोई विचार दस दो, किसी ने नहीं दसी, तुर पिया काम अगे चलेगी गल, किसी ने दसण की कोशिश नहीं की, ना किसी ने पूछी, ना असी समा ही बनाया ऐसा। बरात ही 2:30-3 बजे पहुंची। हुण लिखिया विआह वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर दीवान लगे, संगत जा रागी कीर्तन करन, संगत जा रागी, फिर लड़की ते लड़का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर बिठाए जान, लड़की लड़के दे खब्बे पासे बैठे, संगत दी आग्या लैके आनंद पढ़ाउण वाला सिख मर्द जां इस्त्री, लावां लड़की भी करा सकती है, आनंद कार्ज वक्त लावां लड़की भी करा सकती है, लाड़े दी भैण भी ताबिया बैठ के लावां पढ़ा सकती है अपने भरा दी, पर जे को पढ़ावे अज दे समय च पढ़ाउण देवेगा, इह सिख रहत मर्यादा च लिखिया, जिहड़ी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रकाशित है, धर्म प्रचार कमेटी वालों प्रचारी जाती है, तो हजारों की गिणती विच रोज़ छपदी है, मर्द जां इस्त्री ताबिया बैठ के आनंद, ये सारा जिहड़ा लड़के ते लड़की दा जिहड़ा आनंद कार्ज है उहदी जिहड़ी मर्यादा उहनूं निभावे, लड़के ते लड़की
उन्हां दे मापियां जां सरबराहां नूं खड़े करके आनंद दे आरंभ दा अरदासा सोधे। फिर लड़के लड़की नूं गुरमत अनुसार गृहस्थ धर्म दे फर्जां दा उपदेश देवे। उपदेश देना उत्थे भी गृहस्थ धर्म की आ, उहदी मर्यादा की आ, डिसिपलिन किद्दां असीं गृहस्थ धर्म विच प्रवेश करना, सारी मर्यादा दसे। पहले दोवां नूं सांझा उपदेश करे। इस विच सूही राग दीआं लावां दे भाव अनुसार पति पत्नी दे संबंध जीव परमात्मा दे प्यार दे नमूने उत्ते ढालण दी विधि दसे, लावां दे भाव अर्थ दसे जाण। एक संसारी रस्मों रिवाज विचों लंघदे होइआं गल परमात्मा दे मिलाप दी आ, परमात्मा पति आ ते असीं पत्नियां वां। प्रतीक एक वरत्या कि जिवें असीं संसार ते काबिल इस्त्रियां बनना, इदां असीं उस परमात्मा, जे असीं परमात्मा च जे असीं परिवारां च प्यार इतफाक पैदा कर लिया ते अकाल पुरख दे चरणां विच वी साडी हाजरी लग जू, असीं सच्चे सुच्चे इंसान बन जावांगे। वाकया सानू सफल पत्नियां ते सफल पति बनने आ जाणगे जे असीं गुरबाणी नूं अपने जीवन च लै आंदा। निवण सो अखर खवण गुण जेबा मणियां मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवई कंत। आपस विच प्रेम द्वारा एक जोत दोए मूर्ति, आ गल विचारन वाली है। एक दो एक जोत, ये एक जोत दोए मूर्ति उदों होणगीआं जदों विचारधारा एक हो। हुण कई वारी पत्नी मानदी हुंदी डेरे नूं, पति मानदा गुरु ग्रंथ साहिब नूं, वह अपने दाच बाबे दी फोटो नाल लै के आउंदी है ट्रंक च, जिथे सूट पाए उहदे नाल बाबे दी फोटो, वह कढ के रखदी फोटो वी आवे, उहने धूप दिखाउणे आ, अगरबत्तियां दिखाउणियां। ते कई कई घरां च पत्नी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानदी आउंदी आ ते पति ने कमरा काला कीता तां धूप दिखा दिखा के, रलदी नहीं गल। उहनूं कहिंदी आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नीए, वह कहता नहीं नहीं महापुरखां तों उत्ते है कुछ नहीं, सब कुछ इहनां कोलों मिलदा। फिर कई वारी सारी जिंदगी लंघ जाती आ, बच्चे भी हो जाते, विआह भी वह भी जाते, पोतरियां वाले भी बनते आ, पर एक जोत दोए मूर्ति नहीं बनते। छुत्र पतान हुंदा ही रहिंदा, रोटी जिहड़ी आ उह पक्कियां भी कई वारी रोज़ पता नहीं भी खानी है कि नहीं खानी, पता नहीं की हो जाणा की साडे घर। मर्यादा एक नहीं हुंदी, मर्यादा जदों एक हो जूगी ना दुबदा दुबदा साढ़े परिवारों चुन होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो। बड़े परिवार ऐसे आ जिहड़े बाहरों वेखण नूं बड़े लिंबे पोचे लगते आ, पर पति पत्नी की कई बार सारी जिंदगी बनती नहीं, विचारधारा नहीं रलती। ये मैं शराबियों की गल ही करता, बड़े परिवार ऐसे जिहड़े अमृतधारी भी है, खंडे की पौर भी ली आ, पर उन्हां दी विचारधारा नहीं मिलती, वह एक दूजे के नाल रल के चलन नूं तैयार ही नहीं। असर किन्हां ते पैंदा, बच्चियां ते पैंदा, मुड़के उन्हां दे बच्चियां दे रिश्ते लैण लग्गिआं लोक डरदे फिर भी इन्हां दी धी ते भी असर होगा, जे अज तक ये रल के नहीं चले साढ़े घर ये गल किवें चलूगी, ये असर पैंदा। एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीं है सोए वाली गल बननी है। फिर कहिंदे एक जोत दोए मूर्ति होना दस के एक और गृहस्थ धर्म निभाउंदे होए अपने सांझे परता अकाल पुरख नाल एकमेक होना दृढ़ावे। पति तो है, असी सारियां पत्नियां हाँ, एक प्रतीक है लावा कि असी किवें उस सच नाल जुड़ना है। दोवां ने इस संजोग नूं मनुखा जन्म की यात्रा नूं सफलता नाल निभाउण दा साधन बनाउणा है। दोवां ने इस संजोग दे राहीं पवित्र ते गुरमुखी जीवन बिताउणा है। फिर लड़के ते लड़की नूं आपो अपने वखरे धर्म गृहस्थ धर्म दे फर्ज दसे जाण, फर्ज वखरे वखरे दोवां दे, मर्द दे की फर्ज आ, औरत दे की फर्ज आ, ये उस मर्यादा वक्त दसे जाण। पर असी प्रबंध ही नहीं किया, असी उस जगह उस टाइम साडा कलाकारां ने मान लिया, असी यतन नहीं किया ना भी उत्थे साडे कोई इहो जिहा प्रबंध करदे सी। वर नूं दस्या जावे कि लड़की वालिया ने तुहानूं सब तो वधीक योग जाण के वर चुनिया, आपने अपनी पत्नी नूं अरदंगी जाण के सारिया अवस्थाओं विच इको जिहा प्यार करना, आ ध्यान देने वाली गल है, सारिया अवस्थावां च इको जिहा प्यार करना। जे ते हो जाण लड़के जां लड़का फिर तो पति कहिंदा वाह भाग लग गया साडे घर नूं, जे विचारी ने दो लड़कियां नूं जन्म दे दिता जिथे सस ते माड़ा बोलदी बोलदी कई वारी पति भी अद्धी रात बाहों फड़ के घरों बाहर कढ दिंदा। समाज है साडा आ लफ्ज़ बड़ा गौर करन वाला, हर अवस्था च मर्द औरत नूं बराबर का प्यार देवे, बराबर का प्यार देवे, बराबर का। जे तो लड़के हो गए फिर तो साडे घर नूं भाग लाते, जे हो गई लड़कियां जां एक जां दो बच्चे नूं जन्म ना दे सकी ना लड़का होया फिर सारी जिंदगी कंडियां ते लंघदी बेचारी दी सारी जिंदगी। वड्डे वड्डे गुरमुख खवाउण वालिआं दे घरां च वी बेबे नानकी दे घर ना धी सी ना पुत सी, पर मैं इतिहास चों नहीं पढ़िया कितें भाईआ जय राम ने बाहों फड़ के बाहर कढ़ी होवे, कितें सस ने ताने मेहणे दित्ते होण, पर बिना औलाद तों बेबे नानकी दा दुनिया ते नां वा, औलाद नहीं हैगी बेबे नानकी दी, पर करम एडे उच्चे ने
जिथे गुरु नानक साहब का इतिहास ना उत्थे नाल ही बेबे नानकी का नाम सत्कारयोग बेबे नानकी का नाम ही उदा लिया जाता। फिर अगे जिहड़ियां गल्लां दस्सियां इक्को जिहा प्यार करना वंड के छकना दोवां ने वंड के छकना देश इस दे शरीर ते इज्जत दे राखे तुसीं हो हुण औरत दी इज्जत दे राखे मर्द ने बनना भाव उहदी इज्जत दे भाईवाल बन के जिंदगी जीउणा जे मर्यादा दृढ़ कराई हो कल नूं हाथ चुकन लगे हाँ मारन लगे हाँ गला कट्टन लगे हाँ करंट लाउण लगे हाँ दाज के बदले जे भाई कोलों दो बचन सुने होणगे कन्न च इक वार ते आउणगे ना पर इह दस्से ही नहीं गए। जे मान लो मर्यादा वक्त आनंद कारज वक्त मर्यादा के दो अखर बोले होण उत्थे जे पढ़न की कोशिश की होवे कल नूं पति वल्लों पत्नी नूं मारन लगे हाँ एक बारी ये बचन तो सामने आउणगे ही ना भी उस वक्त भाई साहब ने मैनूं की कहा सी ते मैं की कर रहा एक प्राण है जिहड़ा मैं गुरु की हजूरी च अपने परिवार बारे किया सी। कहन लगे इस्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना भाव पराई इस्त्री वल माड़ी निगाह नाल नहीं तकना ये मर्यादा दृढ़ कराई जाए। बड़े संसार के पति ऐसे जिहड़े पति व्रता वाला धर्म नहीं निभा सके बड़ियां औरतां ऐसियां जिन्होंने अपने घर नरकां ते पचाते इसे गंदगी दे वहन विच ते मैं कई बार महसूस करदा अज डॉक्टरां दीआं टीमां भज्जियां फिरदियां वर्ल्ड दीआं एड्स नूं रोकण लई उह मुहिम शुरू करके बैठियां ने चिंता लगी है उदों आण के गुरु नानक साहिब तुहाडे चरणां ते सीस झुकदा तुसीं किन्ने सियाणे सी सानूं किन्नी देर पहलां ही इस माड़े कर्म तों रोक है तुसीं क्या पराया रूप पराए इस्त्री पराए मर्द वाल माड़ी निगाह दे नाल नहीं तकना। हुण जिहड़ी गल अगे दसी है इस्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना इस दे माता पिता दे संबंधियां नूं अपने माता पिता दे संबंधियां दे तुल आदर देना। कई वारी मर्द सोचदा भी जिहड़ी मेरी पत्नी आ उह मेरे माँ बाप का पूर्ण तौर पर सत्कार करे ते पत्नी दे पेके जिहड़े ने उहनां नूं पति कई वारी नफरत दी भावना नाल वेखदा माफ करना ये साढ़े समाज ते कई बार उल्ट हुंदा कई बार औरत तो चाहती आ कि मेरा जिहड़ा पति आ मेरे माँ बाप का पूर्ण तौर पर सत्कार करे तो उन्होंने अपने जिहड़े पति है जिहड़े अपने पति के जिहड़े रिश्तेदार ने उन्होंने नाल नफरत की भावना के नाल वेखना है उन्होंने वाले बन्ने सच की विचार नूं लैके तुरन का यतन नहीं करना। कई बार समाज ऐसा वापरदा मैं निक्का जिहा नुक्ता तुहाडे नाल साझा करा जदों ते अपने अपने पिता की गल आनी है उदों डैडी जी कहना जो अपने पति के पिता की गल आनी कहना ओ बापू बैठा सी बुढ़ा उत्थे बैठा सी रोटी मंगता सी मेरे कोलों जो अपनी माँ की गल आनी है मम्मी जी उन्हूं कहना बुरड़ी गर्म फुलका मंगती है मेरे कोलों भावना वक्री वक्री हो गई ना बोलबाणी विगड़ गई ना सत्कार कैम इतने लफ्ज़ लिखिया जे दोवां ने एक दूजे के रिश्तेदारां का आदर माण सत्कार करना है दोवां नूं इज्जत देनी है खूह दे विच जिहो जी आवाज़ मारोगे उहो जी आवाज़ आएगी जी कहो जी कहाओ सत्कार दिओ ते सत्कार लो ये गुण दसे जाण उन्हां नूं तां कि तुहाडा गृहस्थ धर्म वधिया ते सुखैन तरीके नाल निभ सके। कन्या नूं दसिया जावे कन्या नूं औरत नूं ए सी मर्द दी गल कन्या नूं दसिया जावे कि आप जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे संगत दे हजूर ये सज्जन दे लड़ लाया जांदा है आप इन्हां दे निर्मल भाव विच रहिंदे होए इन्हां नूं अपने सारे प्रेम ते श्रद्धा दा मालक समझना है दुख सुख देश विदेश विच अपने पति व्रत धर्म विच पक्के रहना है। पहला मर्द नूं दस्या हुण औरत बारे ये लफ्ज जदों दसे जाने सी काश कि असी समा कढ के इस मर्यादा नूं उन्हां समयां दे विच विचार दे बैठ के भी एक एक नुक्ते ते साडे पुत्तर धी नूं समझाओ ते मैं समझदा जे उस समय च थोड़ी बहुती कीती गल भी साडे बच्चे बच्चियां पल्ले बन लैण ते आनंद कारजां तों बाद साडे बच्चे बच्चियां नूं तलाक वाली नौबत ते कदी पहुँचना नहीं पवेगा घर वस जाणगे ना गलत विचार नहीं आउणगियां। सेवा करनी इहदे माता पिता दे संबंधियां नूं अपने माता पिता संबंधियां वांग जानना किड्डियां प्यारियां गल्लां लिखियां मर्यादा दे विच भी दोवां ने एक दूजे दे परिवारां नूं अपने परिवारां दी तरह सांझा प्यार देना उपदेश दीआं गल्लां प्रवान करदे होए वार ते कन्या दोवें गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे मत्था टेकण फिर लड़की दा पिता जां मुखी संबंधी लड़के च लड़के दा पक्का पल्ला जिहड़ा लड़की दे हत्थ फड़ावे ताबिया बैठा सज्जन सूही राग विच जिहड़ियां लावां उन्हां दा पाठ कीता जाए फिर ये लावां दा पाठ करन दी जो सिख रहत मर्यादा च विधि विधान दस्सिया बड़ा प्यारा कि कन्या दा जिहड़ा है वर दा पल्ला फड़ के गुरु ग्रंथ साहिब दीआं चार परिक्रमा करन समय इन्हां गल्लां दा ध्यान परिक्रमा करन समय परिक्रमा जदों करनियां रागी सिंह जां संगतां दे विच्चों
कोई गुरसिख प्यारा बाणी पढ़े, करम अनुसार सुर नाल गाइया जाण, वार कन्या हर एक लां मगरों मत्था टेक के अगली लां सुन ली खड़े हो जाण। बड़ी प्यारी गल है कि जदों लावां दा पाठ होना है, वार ते लड़की कन्या दोवां ने खड़े हो के लावां दा पाठ सुनना है। पर जदों किते असी आनंद कारजां ते जाने आ, इहो ही मर्यादा जो अकाल तख्त वालों पंथ प्रवानित है, जदों इह गल दसी दी है बड़े अचंभे च हो जांदी है सारी संगत भी इह किदां जी, आ गल पहली बार सुनी है। क्योंकि संप्रदायी डेरेदारी सिस्टम ने अकाल तख्त वालों पंथ प्रवानित सिख रहत मर्यादा प्रचारन वास्ते कभी यतन नहीं किया, ना जोर पैन दिता। दूजियां मर्यादा वख वख लागू हो गई, यह जी सिंपल गल सी लागू होंदा कभी यतन नहीं किया। बड़ी प्यारी मर्यादा इस लिखी है, तुसीं आरंभ तो वेख चुके हो, कोई कुड़माई कोई रसम कोई वाधू की गल विच नहीं लिखी हुई। तो जे इदा की जाए किसी बाप को धी जम्मन लग्या कोई भी दुख का जड़ा है वो जड़ा समा अपने जीवन के नहीं हंडा पवेगा, खुशी होएगी धी जम्मन लग्या कि वाकई ये बोझ वाली गल कोई नहीं। अगे लिखा है कि उपरंत मत्था टेक के अपनी थान पर बैठ जाण, रागी सिंह जां आनंद कराने वाला आनंद साहब दियां पहलियां पांच पौड़ियां ते अंतली एक पौड़ी का पाठ करे, फिर आनंद साहब की समाप्ति का अरदासा सुधे जाए, कड़ाह प्रसाद वरताया जाए। अनमत वालियां दा विआह आनंद रीति नाल नहीं हो सकता, मनमत वाल अनमत वालियां दा विआह आनंद रीति नाल नहीं हो सकता। लड़के जां लड़की का संजोग पैसा लैके ना करे, जे बालकी दे मापे कदाच सबब पा के लड़की के ग्रह विखे जाण तां उत्थे प्रसाद तैयार होवे खाण तो संकोच नहीं करना। ये ब्राह्मण ने वहम पाए सी ना भी जदों कोई लड़की का पिता लड़के परिवार वालियां दे घर जावे तो अपनी धी दे घरों कुछ खाणा नहीं, ये बहुत वड्डे वहम सी। इन्हां वहमां नूं सिख रहत मर्यादा बनाउण वक्त उन्हां प्यारे विद्वानां ने किड्डी बरीकी नाल वाचिया, किन्नियां निक्कियां निक्कियां गल्लां सिख रहत मर्यादा 'च लिख दित्तियां कि जे असीं इहदे ते तुरदे आईए तो असी सिक्खी नूं बड़े सौखे तरीके नाल अपने परिवारों में कमा सकते हैं, अपने परिवारों में लिजा सकते हैं, तो कोई औखी गल नहीं है, बड़ी ही सौखी तो सुशील गल है जे असी उन्हूं अपने जीवन च वसा सकीए। फिर जिहड़ी अगली गल है, कहन लगे भी जे जिस इसत्री का भरता कालवास हो जाए, जे समा पा के किसी इसत्री का पति कालवास हो जाए तो कहन लगे योग वार वेख के पुनर संजोग करने भरम नहीं करना। किड्डी क्रांतिकारी विचार से गुरु नानक साहब के करते, जो पति मरता सी ना औरत साड़ देंदे सी, सती प्रथा गुरु अमरदास जी ने की आख्या, सतियां इन आखियां जो मड़िया लग जलन। एक क्रांतिकारी एक गुरु साहब के समाज सुधारक काम से भी जे पति मरदा तो तुसी औरत साड़ देंदे हो, तो जे औरत चढ़ाई कर जाए तो मर्द वास्ते दूजा रिश्ता आ जाता सी, क्योंकि पुरख प्रधान समाज सी ना। पहली बार मैं समझदा गुरु नानक साहब जी के घर ने पहली बार हक सच की गल औरत वास्ते कि प्यारे तरीके कि औरत हो के महसूस किया होगा महाराज ने। मैं समझा जो समुचे संसार दियां औरतां गुरु नानक साहब की इस फिलासफी समझ भी कि क्रांतिकारी विचार से गुरु नानक साहब के घर की भी जे छोटी उम्र में भरता पति कालवास हो जाए दोबारा विआह करवाउण विच कोई संकोच नहीं करना। हाँ जे परिवार सहमति देवे, क्योंकि साडे समाज विच पत्नी चढ़ाई कर जाए तो बजुर्ग बजुर्ग बंदे भी दूजा विआह रचाउण नूं तरले लैंदे ने। सतगुरु की बाणी पढ़ के वेख लो, भंड मुआ भंड भाली है भंड होवै बंधाण वाली गल है। एक इस्त्री मरी तो दूजी लभण वास्ते परिवार वाले उस वेले तुर पै, पर जे कि पति चढ़ाई कर जाए औरत वास्ते विचारी वास्ते नहीं सी, औरत नूं ते नाल ही मार दिंदे सती कर दिंदे सी। सच्चे पातशाह जी ने जो विचारां दित्तियां मैं समझा मर्यादा बनाउण वक्त सिखां ने बड़ी बरीकी नाल इन्हां चीज़ां नूं वाचिया। कहण लगे सिख इसत्री मर जाए तो उस लई भी इहो हुक्म है, पुनर्विआह की इहो रीत है जो आनंद लई दसी है। आम हालतां विच सिख नूं एक इसत्री दे हुंदिआं दूजा विआह नहीं करना चाहिए। अमृतधारी सिख सिंह नूं चाहीदा है कि अपनी सिंघणी नूं वी अमृत छका लवे। ए सी आपां तिन्नां संस्कारां की गल कीती, जन्म संस्कार की अमृत संस्कार की अते आनंद संस्कार की। एक संस्कार होर है मृतक संस्कार, समा अपनी रफ्तार भज रहा है, क्योंकि समा नहीं कि आपां चौथे संस्कार की भी गल कर सकीए, फिर कितें समा बनिया आपां इहदे बारे भी विचारां दी सांझ जरूर करांगे किते, क्योंकि तिन्नां संस्कारां दी आपां गल कर चुके हां। मैं प्रबंधक वीरां नूं बेनती करांगा कि जे तां तुसीं सिख रहत मर्यादा संगतां विच वंडी है बहुत वधिया गल है, नहीं ते आपां संगतां विच लिया के ये जरूर एक एक कापी देईए तां कि जो इहदे विच गल्लां लिखियां ने सानूं बाणी पढ़न विच जिंदगी जीउण विच बड़ी सहायता कर सकदियां ने। साडे कोल अज दा ये जो सैमीनार तुसीं रखिआ जिहदे विच आपां इन्हां विषयां ते विचार कीती है, जिथे साडे कोल ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार दमदमा साहब वह भी पहुँचे हुए हैं, सारी संगत का धन्यवाद
प्रबंधक वीर जिन्होंने बड़ा सुचजा उपराला किया है इस सारे सैमीनार का, उन्हों का धनवाद। इस स्कूल के इस सारे स्टाफ का, प्रिंसीपल साहब सारिया का धनवाद। आप जी ने जो बड़ा शलाघा योग एक कदम है, मैं समझदा तां शलाघा योग है, बैठ के आपां विचारां कर रहे हैं वड्डियां वड्डियां दीवानां विच, ये विचारां करन दा आपां नूं मौका जिहड़ा उह नहीं मिलदा। उन्हां तों बाद ज्ञानी केवल सिंह जी, पुल्लां चुका माफ, सारी संगत गज के बुलाओ, फतेह आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।